हेलो बच्चों, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय माता दी, इनकलाब जिंदाबाद। तो कैसी है जनता भाई, फटाफट बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विनय कुमार शूर। और अगर आप सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार जरा चैट बॉक्स में बेटा आग लगा दो, फटाफट हेलो बोल दो, हाय बोल दो, सत श्री अकाल बोल दो, भाई बोल दो, छोटा भाई बोल दो, बड़ा भाई बोल दो, मोटा भाई बोल दो, जो दिल करे बोल दो मुझे बस हिंट दे दो कि आप सब मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कौन कौन आ चुका है, अटेंडेंस लगा दो यार एक बार फटाफट अपनी। कौन कौन आ चुका है हमारे पास? है आर्यन भाई, निवेदिता, समर्थ, काशी, प्रिंस। अरे क्या बात है, चैट में तो ऐसी आग लगाई है तुमने, चैट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्या बात है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। अर्पिता, निहारिका, कंचन, क्या बात है गाइस। गाइस जिस तरह से चैट चल रही है, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं तुम्हारी चैट को पढ़ पाऊं, ठीक है ना। तो भाई इस प्यार के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और आप सब आज बेटा तैयार रहें, कॉपी पेन लेके, कहीं पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नोट्स आपको मैं सारे हैंड रिटन दूंगा, नोट्स की चिंता मत करना, रात तक सेशन में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड हो जाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठो, मम्मी पापा को बोल दो अब डिस्टर्ब नहीं करना, अब हम फन करने वाले हैं। किसके साथ फन करने वाले हैं? विनय सर के साथ, फिजिक्स में, ठीक है। हाँ तो हम पार्टी करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं? पार्टी करने वाले हैं। तो मैं तो पार्टी करने आया हूं, यस। आदित्य उज्जवल, चलो भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब सेट है, सब सेट है, डन बाई डन, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, काफी बच्चे हो सकता है जानते हों, और बाकी आज हमारे बड़े भैया ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था हमारा, ठीक है ना। तो आज उनके लिए भी मैं कुछ सरप्राइज लेके आया हूँ, ठीक है, डन। तो आज तो हम सेशन जो शुरू करते हैं, तो भाई आज बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वेक्टर्स, ठीक है। एंड फर्स्ट लेक्चर है, मजेदार होने वाला है, घमासान मचने वाला है और आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है। लेकिन कंडीशन यह है कि किसी ने उठना नहीं है, एक शपथ ले लो कि भाई अब हम दो घंटे के लिए अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, मम्मी आ जाए, मासी आ जाए, घर में कोई भी रिश्तेदार आ जाए, बस दूर से प्रणाम कर देना और पूरा सेशन बेटा लगाना, तभी आपको रियल फीलिंग आएगी जो मैं यहां पर आज आपको देने वाला हूं, ठीक है जी। तो चलिए सेशन, इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे आप सब जानते हैं कि आज हमारे प्यारे सूरी सर सेशन पे नहीं आ सके ड्यू टू सम रीजंस, एंड अरविंद सर ने आपको काफी डिटेल में उनके बारे में बता दिया है। मैं बच्चों को एक बार दोबारा बता देता हूं कि सूरी सर इज नॉट वेल, थोड़ा सा उनको और उनकी फैमिली में कुछ मेंबर्स को कोविड हो गया है, सो दैट इज व्हाई ही इज नॉट इन टू फुल अवेलेबिलिटी राइट नाउ। बट पढ़ाई की चिंता मत करिए, वेदांतु इज अ वेरी बिग फैमिली, तो जब तक सर वापस आते हैं तब तक ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं कोशिश करूंगा आपको इसके अंदर पूरा मजा आए और पूरा मजा आप लोगों को आएगा, ठीक है जी। और इस दौरान हो सकता है सेशन के बीच में भी कुछ बच्चे सेशन को ज्वाइन करें, वो आपसे पूछें, तो बच्चों मैं हो सकता है बिजी हूं, तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपने सर को बता देना है कि भाई बच्चों को बता देना है, चिंता मत कर, सूरी सर भी जल्दी वापस आएंगे, अभी विनय सर इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, डन। चलिए तो शुरू करें सेशन को, यस 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 यस, चलें स्टार्ट करें सेशन को। तो चलो बिचक दे फटे, तो बच्चों दिस इज योर विनय कुमार शूर, हो सकता है बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हो, तो बेटा मैं हूं आपका छोटा भाई, बड़े भाई आपके अरविंद सर हैं। दिस इज विनय कुमार शूर, योर मास्टर टीचर इन फिजिक्स, आई एम ट्राइंग टू टीच फिजिक्स फील से फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। और यार ये मैं शब्द हमेशा यूज करता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, और यार ये कोशिश इसलिए है क्योंकि यार बच्चे मुझे कुछ बेहतर करते हैं और मैं उन्हें कुछ बेहतर करने का प्रयास करूंगा, और जब तक बेटा सांस बाकी है ये प्रयास पूरा जारी रहेगा। जर्नी बहुत अच्छी थी, इस जर्नी में बहुत बच्चे आपके फिजिक्स ओलंपियाड भी निकले, और यार मुझे मतलब ये बताकर बड़ी खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर बेटा वेदांतु पे, शायद आपको पता हो, एक स्पेसिफिक ओलंपियाड का विंग बना था, VOS, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, ठीक है। तो उस स्कूल में जो फिजिक्स ओलंपियाड का जो हमारा डिपार्टमेंट था उसमें हम थे, हमारे साथ पूरी एक टीम थी, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चार बच्चे बच्चों, ठीक है ना, फिजिक्स ओलंपियाड इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री, चार बच्चे इस साल हमारे कंट्री में स्टेज 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दे आर फ्रॉम द वेदांतु, ठीक है ना। 4 स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटिंग एंड द सेकंड स्टेज, और वो हमारे वेदांतु ओलंपियाड स्कूल से लास्ट ईयर निकल के गए हैं। तो ये जो नंबर है ये पिछले साल को हटा के है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको भाई ने बताई दिया है कि मेडिकल में हमारा एम्स में रैंक 1 भी बेटा बच्चों का आ गया था, और जेई भी निकले, नीट भी निकले, लेकिन अब मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, मिशन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, और मिशन अब ये है कि इस देश के सबसे बड़े मंच पे खड़े होके
मुझे हर देश के हर गली के हर नगर तक पहुंचना है, और प्यारे प्यारे अपने टमाटर, मैं प्यारे बच्चों को टमाटर वर्ड से बुलाता हूं, ठीक है ना, तुम मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू मुल्लू हो, ठीक है, तो अपने अपने टमाटरों को साइंस सिखानी है और फिजिक्स में उनको आगे लेके जाना है, डन। और इस सब में आप सब साथ हैं? यस सर, फटाफट जरा बोल दो एक बार, ठीक है, चलो क्या बात है, डन, बल्ले बल्ले, बिल्कुल ठीक है, पूरी पार्टी करनी है, पूरा एंजॉय करना है, ठीक है, चलो सेशन शुरू करें, फटाफट करें शुरू, चलो चक दे फटे, ठीक है। चलो सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा गिफ्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, आप जज कर सकते हैं अगली स्लाइड क्या होने वाली है। चलो आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेके आया हूं, मुझे आप थोड़ा सा आइडिया दो, आपको क्या लगता है नेक्स्ट स्लाइड जो आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, ठीक है, हल्का सा आइडिया दो, जरा चैट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा, कुछ तो आने वाला है, गेस करना चाहोगे क्या आने वाला है, कोरोना आने वाला है, क्या बात है, वेक्टर आने वाला है, अच्छा कई कह रहे हैं सर आप सेल्स करोगे, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 हम कोर्स भी नहीं बताने वाले आपको, ठीक है, तो चलिए यार आप लोगों के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट और एक सरप्राइज मेरे बड़े भाई के लिए, देख रहे हो कुछ पुरानी मेमोरीज मेरी आज सुबह ताजा हो गई थी, जब बाई चांस ऐसी सिचुएशन बनी, सर ने बोला यार थोड़ा जरूरी है एक सेशन तू ले ले, और यू कैन सी इन दिस पिक द ओल्ड ओल्ड वर्जन ऑफ योर फेवरेट फेवरेट मेरा भाई अरविंद कालिया जी, देख रहे हैं आप, है ना, तो गाइस जैसा आपको सर ने बताया वी नो ईच अदर, ठीक है ना, हम एक परिवार की तरह हैं, एक दूसरे को पिछले कई वर्षों से जानते हैं, हमारे परिवार भी एक दूसरे को जानते हैं, और अब तो हमारे बच्चे भी एक दूसरे को जानते हैं, तो ये वो एरा था जीवन का, मतलब जब हम भी एक नई यात्रा पे निकले थे कि यार टीचिंग में मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है, और आपको आज भाई ने बताया ये बिल्कुल बात सही है, ये बड़े भैया ने ही हमें ट्रेन किया था जब हम ज्वाइन किए थे, ठीक है ना, तो ही इज वन ऑफ दी पर्सन जिन्होंने, मतलब कहते हैं ना, उंगली पकड़ के चलना सिखाया कि भाई ऐसे पढ़ाना है, ऐसे देखना है, और वो जो एंड में इन्होंने बात बोली ना वो वाकई सत्य थी, कि एक टाइम ऐसा आया था कि थोड़ा भाई का परफॉर्मेंस यू नो वो हो गया था, ठीक है, और भाई जस बेटा नेक्स्ट ईयर भी हो गया था, तो पहले साल इन्होंने, मतलब ये आपको सर ने नहीं बताया, जब वो फाइनल रिजल्ट आया कि मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा बेहतर आ गई है ना भाई से, तो उस दिन रात को 5-स्टार होटल में पार्टी अरविंद सर ने दी थी कि आज मेरे छोटे भाई ने मेरे से बेहतर रिजल्ट लेकर आया है, ठीक है ना, और यार ये जो रिश्ता है ये मतलब तब से चल रहा है, ठीक है, और मैं हमेशा बच्चों आपको भी ये बात, ये दिखाने का पर्पस यार ये है कि जीवन की ब्यूटी ही यही है, ठीक है ना, और हमने ये फेसबुक पे बठिंडा की जो पीछे लेक है ना वहां पे खड़े होकर ये फोटो खिंचवाई थी, और लाइफ की यही ब्यूटी है कि जीवन में अगर बेटा आपके आप सारे काम करें, दोस्त भी बनाएं, और दोस्तों की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, कोई कुछ भी कहे, भगवान ने दो कान दिए, यहां से सुन के यहां से बाहर निकाल दो, दोस्त आपके जीवन में जरूर होने चाहिए, भर भर के दोस्त बनाओ, ठीक है ना, यस सर, ठीक है जी, तो चलिए सेशन को शुरू करने से पहले दो लाइनें देते हैं बस, फिर उसके बाद फटाफट बेटा शुरू कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक है, सेशन को तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है शुरू करने की, दो पंक्तियां, ठीक है ना, भाई के लिए तो है ही है, ये तो कई बार सुन चुके हैं, अब आप मेरे सारे छोटे भाई हो, आप लोगों के लिए दो पंक्तियां, कह रहे धीरे धीरे जिंदगी कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है, वाह वाह, चैट बॉक्स में आप वाह वाह डाल सकते हैं, यस वाह वाह, एकदम यलगार कर दो एकदम, मतलब वो एनर्जी दिखनी चाहिए मुझे एकदम से, धीरे धीरे जिंदगी कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है, कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है, कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है, ध्यान से सुनना, किनारे पर सागर के कभी खजाने नहीं आते, किनारे पर सागर के कभी खजाने नहीं आते, इस जीवन में दोस्त फिर पुराने नहीं आते, हंस कर जी ले इन पलों को दोस्त, ये बच्चों ये जो हम एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं ना ये पल जी लो, हंस कर जी ले इन पलों को दोस्त, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते, ठीक है जी, तो भाई जी लीजिए, अब आप मेरे छोटे दोस्त हैं, ये हमारे बड़े भैया हैं, ये हमारे बड़े दोस्त हैं, और हमने जिंदगी जी लेनी है, यही जिंदगी है, यही सब कुछ है, एंजॉय करना है, इकट्ठे चलना है, डरना मत, ये जर्नी तुम्हारी नहीं है, ये जर्नी हमारी है, मिलकर चलेंगे, हम भी मिलकर चल रहे हैं, आज भी हाथ पकड़े हुए हैं, थामे हुए हैं, अंत तक चलेंगे, तुम भी हमारे साथ हो, अब तुम्हें भी लेकर चलना है, ठीक है ना, बस माध्यम बदला है, बाकी फीलिंग्स वही हैं, अब डिजिटल जमाना है, बाकी बंदा वही है, पढ़ाने वाला वही है, पढ़ने वाला वही, ठीक है, चलो भाई चक दे फटे, चलो भैया जय माता दी, ठीक है, जय माता दी, टमाटर, यलगार, आग, ये मेरे कुछ फेवरेट वर्ड्स हैं, तो जब आपको मजा आए तो बीच में आप लिख दीजिएगा, कोई चक्कर नहीं, चलो भाई शुरू करते हैं भाई, चलो अब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट गाइस, एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज ऑसम रिजल्ट्स ऑफ केवीपी, भाई आप सबको जानकर बताकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस साल वेदांतु ने मचा दी है, कंट्री के सबसे पहले ऑथेंटिक ऑनलाइन रिजल्ट्स वेदांतु से निकले हैं,
आज बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन आ तो जरूर गए हैं बच्चों, बट वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट एक दिन में ऑनलाइन नहीं आएगा। वेदांतु 2014 से लक्ष्य जैसे ही मतलब चल रहा था 2014 से वो इसी प्लेटफॉर्म को बड़ा करने में लगे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं ना वेदांतु, तो कब से उनको खत्म करके बहुत आगे बढ़ चुका है और इस कंट्री के सबसे ऑथेंटिक रिजल्ट्स आपके सामने बच्चों आ चुके हैं। केवीपीवाई में वी हैव 54 सिलेक्शंस इन दी कंट्री, ठीक है जी। तो ये आप इस बात को समझो, और ये भी मैं आपको बता दूं, लाइक दिस अवेक मतलब ही इज ऑल्सो फिजिक्स ओलंपियड क्वालिफायर, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे इस साल चार बच्चे फिजिक्स ओलंपियड निकले, ही इज वन ऑफ देम, और इसने प्लस टू का केवीपीवाई किया है। और अगर आप आज भी यूट्यूब पे केवीपीवाई सॉल्यूशंस डालेंगे ना 2020 के, वेदांतु सबसे पहला था जिसने सॉल्यूशंस लॉन्च किए थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पुष्पराज ये मेडिकल का बच्चा है, है ना। और अगर भगवान की फिंगर्स क्रॉस्ड अगर सब कुछ सही चला तो आपको इस साल आने वाले सेशन में जेई एडवांस में और जेई हमारे एम्स में और नीट जो तो कॉमन ही हो गया, नीट में दोनों में सिंगल डिजिट दिखेगा, फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बहुत ऑसम रिजल्ट्स हैं और बहुत प्यारे बच्चे हैं, पूरा वेदांतु ओलंपियड स्कूल के साथ ये डे वन से जुड़े हुए हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो बेटा विश्वास रखो, ईमानदारी रखो और चक दे फटे, बस अपना हाथ पकड़ के चलो, बिल्कुल रिजल्ट्स निकल के आएंगे, ठीक है ना। और कभी भी साइंस को बांट के नहीं पढ़ना, ये पहले दिमाग में बिठा लो, मैं साइंस दिल खोल के पढ़ाऊंगा, तुमने दिल खोल के पढ़नी है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों, आज हमारा पहला चैप्टर दैट इज वेक्टर्स, ठीक है। सबने थोड़ा बहुत इसके बारे में जरूर सुना है, ठीक है। अब बिल्कुल शांत हो जाओ, आराम से सुनो मेरी बातों को। सबने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा, वेक्टर्स आपके होते क्या हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होगा, मैग्नीट्यूड होता है, कुछ को डायरेक्शन होता है, अपन एक एक करके सबको क्लियर करते हैं। तो ये तो आप समझ लो, अगर मैं वेक्टर्स वर्ड बोल रहा हूं तो ये कुछ कुछ आपको डायग्राम दिख रहा होगा, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, ये जो रेड है ये इनका रिजल्टेंट है। तो आज हम ये सब कुछ जो आपको एनिमेशन में दिख रहा है ना, इसको समझने वाले हैं। तो एक बात तो पक्की है, हम एक एरोस की दुनिया में एंटर करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ द एरोस। जर्नी क्या रहेगी, स्केलर और वेक्टर्स पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, देन वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ वेक्टर, एंड देन बच्चों वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है जी। और कंपोनेंट्स के बाद वी विल डिस्कस द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड द पॉलीगन लॉ। तो आज के सेशन का जो रास्ता है वो आपके सामने है, एक एक करके शुरू करते हैं, चिंता मत करिए, ठीक है। तो बच्चों आप सब यहां पे देख सकते हैं, ये हमारा राम है, ये हमारा मोहन है, ये दो भाई हैं, ठीक है जी। मोहन ने राम से पूछा कि यार मेरा स्कूल कहां पर है, मुझे स्कूल में पढ़ना है। वैसे बड़ा अच्छा बच्चा है, ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, मतलब मेरा बच्चा तो अभी छोटा सा है बेचारा, टमाटर सा, और वो तो स्कूल के नाम से अभी भागता है, ऑनलाइन क्लास से भागता है। तो मोहन ने राम से पूछा स्कूल कहां है, राम ने जवाब दे दिया 1 किलोमीटर। राम ने क्या जवाब दिया, 1 किलोमीटर। और मोहन बेचारा शरीफ आदमी, 1 किलोमीटर वो नीचे आ गया, उसने सिर्फ 1 किलोमीटर दिया, उसने डायरेक्शन नहीं दी। तो क्या ये 1 किलोमीटर इस मोहन को अपने स्कूल तक पहुंचा देगा, क्या ये 1 किलोमीटर जो इसने इसको जवाब दिया, क्या ये इसे अपने स्कूल तक पहुंचा देगा? मेरे ख्याल से सबको ये बात बहुत क्लियर होगी, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा, है ना, नहीं पहुंचाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्शन भी डिमांड करती हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चलती हैं, जिनके साथ डायरेक्शन, ये 1 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो देर आर फ्यू क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड विद देम, दोस क्वांटिटीज आर बच्चों कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटीज। और यार ये तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं होगी, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, ये सिर्फ एक नंबर है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास, मास का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कभी आपने सब्जी अगर खरीदी हो या कभी फ्रूट्स खरीदे हो, और कभी आपने भैया को ऐसे बोला है, भैया भैया 2 किलो मैंगो दे दो, मैं तो मैंगो का फेवरेट हूं, है ना, भैया 2 किलो मैंगो दे दो, साउथ ईस्ट की तरफ डालना भैया, या भैया 4 किलो टमाटर दे दो, मेरे प्यारे प्यारे टमाटर बैठेंगे यहाँ पे, 4 किलो टमाटर डाल दो भैया, साउथ की तरफ टमाटर डालना जरा, है ना, साउथ की तरफ जरा, है ना। तो मतलब हुआ है कभी ऐसा, मतलब आपने कभी कुछ मांस मांगा हो, है ना, और आपसे, है ना, हाँ लोल, हाँ लोल लोल लो हो जाएगा ना ये, मतलब वो भी आगे से मारेगा थप्पड़, क्या टाइम खराब कर रहे हो। तो कुछ क्वांटिटीज हैं जिनके साथ डायरेक्शन आप जबरदस्ती चिपकाओगे, इट विल लुक लाइक अ नॉनसेंस स्टफ, इसका कोई मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करता। 2 किलो अपने आप में कंप्लीट है ना, ऐसे टाइम है सर, टाइम हो गया सर, शाम के सर 5 बजे, विनय सर 5 बजे आए थे, साउथ वेस्ट की तरफ आए थे विनय सर, कोई बात बनी, कोई बात नहीं बनी। तो मतलब कुछ चीजें जो मैग्नीट्यूड में अपने आप को कंप्लीट करती हैं,
वो होती हैं हमारी स्केलर, सबने सुना है, टेम्परेचर, पावर, एनर्जी, टाइम। बाकी चिंता मत करो, समय जब फिजिक्स बढ़ती जाएगी आपको इनके बारे में और डिटेल में मैथमेटिकली और भी चीजें पता लगती जाएंगी। डन। अब आने वाली है महाभारत। देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, ठीक है ना? तो एकदम से बस अब देख लो, मतलब अगर मुझे वो पानी की बूंद को मारना है तो यूनिक डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन में अगर मेरा एरो जाएगा तभी ये महाभारत छिड़ पाएगी। तो बच्चों तैयार हो जाइए, वी आर अबाउट टू नाउ एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ वेक्टर्स। और इससे पहले आप कुछ भी प्रेज्यूम करें कि वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, देयर इज वन मोर सस्पेंस टू इट। तो डेफिनेटली अगर मोहन को अगर क्या है ये हमारे भैया, ये राम जी है ना, तो अगर राम जी को स्कूल की तरफ जाना था तो उसे 1 किलोमीटर साथ में ईस्ट डायरेक्शन अगर पता होती, मतलब 1 किलोमीटर विद ए डायरेक्शन ईस्ट, तो डेफिनेटली वो वहां तक पहुंच जाते। तो बच्चों हम ऐसी दुनिया के अंदर एंटर करने वाले हैं जहां पे आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों तो होंगे ही होंगे, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, एक तीसरी चीज भी होगी, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बच्चों, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, हर एजुकेशन के कुछ कायदे कानून होते हैं। आजकल कोविड है तो कोविड के अपने कायदे कानून हैं। रात को 9 बजे के बाद आपके कर्फ्यू लग गए होंगे अब तो हर जगह पे, है ना? तो आपने उन कायदे कानूनों को फॉलो करना है। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो देर आर सर्टन लॉज विच वी शुड फॉलो। अभी समझ में नहीं आ रहा, 2 मिनट दोगे तब समझ में आएगा, मुझे पता है कब आएगा, 2 मिनट बस सुनते रहो। तो 3 चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और तीसरा है देर आर फ्यू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आज के सेशन में एंड तक आपको पता लगेगा कि वो रूल्स कौन से होते हैं, और नेक्स्ट सेशन में तो सारा ही पता लग जाएगा, ठीक है? तो कोई भी चीज अगर ये 3 चीजें फॉलो करती है तो वो वेक्टर कहलाती है, याद रखना इस बात को। एग्जांपल, वेक्टर्स के फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम, ठीक है? बाकी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टॉपिक आपको इनके बारे में सब पता लगता जाएगा, फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसी कोई चीजें हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है बट वो वेक्टर्स नहीं होती। जैसे अगर बच्चों आपने करंट के बारे में सुना है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट करंट मेरे भाई याद रखना प्यारे प्यारे टमाटरों, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये रूल्स को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा के दिखाता हूं, जस्ट एक रैंडम एक वायर है, ठीक है? सुनना जरा बात को ध्यान से, एक वायर ये है, इधर से मान लो करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से करंट आ रहा है आपका 3 एम्पियर। तो बच्चों मुझे बस एक बात बता दो, ये जो वायर नेट आगे जा रही है, ये तो कॉमन सेंस है ना, ये वायर यहां से 2 आया, यहां से 3 आया, ये जो आगे वायर गई इसमें कितना करंट आया, मुझे जल्दी बता दो, फटाफट बता दो चैट में, कॉमन सेंस है ना ये तो। प्रेशर का नाम मत लो भी, प्रेशर कुछ और चीज है, प्रेशर कुछ और है ना। सही समय पे वो पता बताऊंगा, अभी नहीं, जितना बता रहा हूं अभी उतना सुनो, है ना? यू शुड नो दैट आई नो, मुझे पता है तुम्हें कब क्या बताना है, और तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए। यस, तो दिस इज क्लियर, दिस इज 5 एम्पियर, करेक्ट बात हो गई है ना, 5 एम्पियर। और मेरे भाई ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, है ना? तो ये 2 वायर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और आंसर कितना है, 5 एम्पियर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने इन वायर्स को पकड़ के मरोड़ दिया, मैंने इन वायर्स को पकड़ के, पंजाबी बंदे हैं बेटा, है ना, शांति से तो बैठते नहीं। आप किसी भी पंजाबी आदमी को बेटा कुछ भी दे दो, है ना, ये तो आपने शायद सुना ही होगा, कुछ भी पकड़ा दो बेटा, हमारे के अंदर इतनी ज्यादा टैलेंट है ना, हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं बेटा, हम किसी भी सीधी चीज को तोड़ मरोड़ देंगे, हमारे पास पूरा टैलेंट है। और बेटा जो हमारी आगे जनरेशन आ रही है वो तो बेटा छोड़ ही दो, वो तो दीवार पे चढ़ के ट्यूब में पुट्ठी कर देती है, वो तो लगी लेवल की है, ठीक है? तो आपने अगर ये 2 एम्पियर है, तो अगर आप इस वायर को पुत्र थोड़ा सा घुमा दो, यहां से घुमा दो इसको थोड़ा सा पुत्र, है ना, ये आपका बन गया यहाँ पे 3 एम्पियर। वही वायर एंगल चेंज कर दो, एंगल चेंज करके आपका मान लो एंगल हो गया 60 डिग्री, और यही करंट अगर मैं अब आपसे पूछूं, मैंने एंगल चेंज कर दिया, कितना करंट आगे जाएगा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा मुझे एकदम से, चाक दो फटे, जल्दी बताओ कितना करंट जाएगा। यस 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 यस, है ना? करंट का डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अभी मुझे अंदर नहीं जाना, इट हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन, इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं जाना, है ना, डायरेक्शन होता है उसका।
बट आप सोचो आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप अगर वेक्टर होते, ये 2 न्यूटन और 3 न्यूटन फोर्स होती, और अगर इस फोर्स का एंगल चेंज होता तो रिजल्टेंट भी चेंज होता। तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट, जो हमें नेट आउटपुट मिलती, वो डिपेंड करती है उनके बीच में एंगल कितना है। यहां पे ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इट डज नॉट फॉलो सर्टन रूल्स। और वो रूल मैं आपको बता रहा हूं, वो रूल ये होता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। एग्जैक्ट क्या है वो बाद में पता लगेगा आपने, ठीक है। सो हेंस इट इज अ स्केलर। बेटा चैट पे लिख दो, चक दे फटे जय माता दी। समझ में आ गया आपने को, फील आ रही है, जल्दी बता दो चैट पे फटाफट, चक दे फटे। यस सर डन करेक्ट। जय माता दी, ठीक है। कोई एक और टेंसर क्वांटिटी का नाम दे रहा है भाई, चिंता मत कर, टाइम पे बताएंगे जब सही समय आएगा। हाँ यस सर। एक क्वेश्चन बेटा, आओ फटाफट एक क्वेश्चन निपटाएंगे। द मैराथन रनर वॉज रनिंग 20 माइल्स पर आवर। एक मैराथन था आपका, एक आदमी था, वो 20 माइल्स पर आवर से भाग रहा था टूवर्ड्स द एंड जोन। मतलब कुछ एंड जोन होगा, कोई एक एंड जोन होगा, है ना। तो एक कोई मैराथन है, वो उसकी तरफ भाग रहा है और उसको वैल्यू गिवन है 20 माइल्स पर आवर। तो मुझे बताओ जरा क्या है ये, इज इट अ वेक्टर और अ स्केलर? इज इट अ वेक्टर और अ स्केलर? इट इज रनिंग टुवर्ड्स एंड जोन विद सम वेक्टर। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल, अरे अरे क्या दे रहे हो, ले कर लो बेटा, इतना पढ़ा दिया तुम्हें। ये क्या है, सीरियसली अभी भी स्केलर बोलोगे? अरे भाई इट इज 100% वेक्टर भाई। क्यों? मैग्नीट्यूड है और एंड जोन मतलब डायरेक्शन भी फिक्स है, रेंडम नहीं भाग रहा ना, शराबी नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा, जिधर जाना है वो फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। ये बिल्कुल वो हो गया महाभारत वाला एरो, उसको पानी की बूंद को मारना है, समझ रहे हो, एग्जैक्टली लाइक दैट। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, मुंह पे एक चांटा, सबने चांटा मुंह पे लगाना है, ठीक है ना, ऐसे करके सबने चांटा लगाना है ये अगर किया तो, ठीक है। चलो ओके, जब जब गलती करो ना बस साथ साथ लगाते जाना, अपने आप सीख जाओगे। देखो बेटा मैं वही बता रहा हूं, अगर हमने बिल्कुल वैसे वाला माहौल कर दिया ना जो हम सामने बैठ के करते थे क्रिएट, मन मजा आ जाएगा, फन आ जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हाँ वही करना है, ठीक है जी। अगला सवाल, कोई नहीं, एक और मौका देता हूं आपको। द टेम्परेचर ऑफ, अब किसी का जवाब गलत आया ना तो मारूंगा। द टेम्परेचर ऑफ अ हॉल इज 28 डिग्री। टेम्परेचर 28 डिग्री है, इट्स अ स्केलर और अ वेक्टर? इज इट अ स्केलर? सोच के देख लो, अगर कभी कंफ्यूज होते हो सोच के देखो, आज कमरे का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, सर वेस्ट ऑफ ईस्ट की तरफ जा रहा है ये, सर वेस्ट से थोड़ा सा एंगल पे जा रहा है। आज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, सर नॉर्थ की तरफ 30 है ना। अरे कोई सेंस नहीं बनती ना, इट्स अ नॉनसेंस थिंग, इट इज अ कंप्लीट थिंग एंड इट इज अ स्केलर थिंग। यस सर, चक दे फटे, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चलो अब 2 मिनट मुझे आराम से सुनना, फिर शांत हो जाओ, रुक जाओ, अब ध्यान से सुनना। आपके पास अब एक वेक्टर है, अब ये तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज अ वेक्टर, ए वेक्टर इज एन एरो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए वेक्टर इज एन एरो। दिस एरो हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज टेल ऑफ अ वेक्टर। तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट लगातार सुनोगे तो समझ में आएगा, तो 5 मिनट सुनना, कुछ भी चैट मुझे हिलती हुई नजर ना आए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड एज अ टेल ऑफ अ वेक्टर, इसको हम बोलते हैं वेक्टर की टेल। एक बेटा हमारा ये वाला पॉइंट होता है, इट इज कॉल्ड एज द टर्मिनल पॉइंट, जहां पे वेक्टर आपका खत्म हो जाता है, और इट इज कॉल्ड एज अ हेड ऑफ अ वेक्टर। बिल्कुल लॉजिकल बात है यार, स्टार्ट वाला पॉइंट टेल है, एंड वाला पॉइंट आपका हेड है, और स्टार्ट और हेड के बीच में आपका एक एरो है, आपका एक एरो है, और ये कोई वेक्टर फोर्स हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ओवर अ वेरिएबल, ओवर अ वेरिएबल। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ओवर अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के ऊपर एरो हेड, मतलब ये एक वेरिएबल है उसके ऊपर एक छोटा सा एरो। तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता है, 2 मिनट सुनोगे तो समझ आएगा, सुन लो बस पूरा। ये जो एरो हेड है ना बच्चों, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, इट इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड, लिखते जाओ तुम भी, विद डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बच्चों इस बात को ध्यान से सुनना, यह सिर्फ एक लिखने का नोटेशन है, यह छोटा जो एरो है यह डायरेक्शन से लिंक नहीं है, डायरेक्शन आपकी यह है।
और इसकी जो लेंथ होती है, जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और कभी भी हम जब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो ए वेक्टर को दो डंडों में लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना, अभी नहीं ठीक, मैं बताता हूं क्या ठीक है, सुनो जरा, अभी पता लगे, सुनते जाओ, बस दो मिनट लगेंगे। मेरे पास बच्चों एक वेक्टर है, ध्यान से सुनो, 2 मीटर अलोंग ईस्ट, एक वेक्टर है 2 मीटर अलोंग ईस्ट। अगर बेटा मैं आपके सामने लिखूं ए इज इक्वल टू 2 मीटर, सुनो पहले, समझो, मतलब पहले तो क्वेश्चन समझा रहा हूं फिर तुम्हें समझ में आएगा मैं कहां जाना चाह रहा हूं। अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं a इज इक्वल टू 2 मीटर, तो भाई इससे तो एक बात तुम्हारे भाई को क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो 2 मीटर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। करेक्ट बात, इट्स अ स्केलर, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है डिस्टेंस 2 मीटर, सर्कल में घूम लो 2 मीटर, है ना, चलेगा। लेकिन जब मैं बेटा ये लिख देता हूं, जब मैं ये लिख देता हूं, तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि मेरे भाई ये जो है This is a vector. ये एक vector चीज है। तो मतलब अभी मैं सिर्फ अगर 2 मीटर दूंगा तो वो होगा मेरा एक सिर्फ magnitude, इसमें अभी कुछ चीजें missing है। A vector equal to 2 meter is a wrong statement. I should provide some direction. So that is why it is giving me guarantee it is a vector. I am giving a direction along east. Yes sir. ठीक है, डन। अब करना क्या है, सुनो जरा आराम से, कुछ भी नहीं है। ये क्या है, ये एक एरो है जिसकी लंबाई है 2 मीटर और डायरेक्शन क्या है इसकी, ईस्ट। डायरेक्शन क्या है इसकी, ईस्ट। सो दिस इज अ एरो, एवरी वेक्टर इन द वर्ल्ड इज अ एरो। और ये बिल्कुल महाभारत का युद्ध चल रहा है, हर तरफ आपको एरोज ही एरोज दिखने वाले हैं। और इसको लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे, ए वेक्टर 2 मीटर अलोंग ईस्ट। अब ये जो वेक्टर है छोटू वाला, ऊपर वाला जो वेक्टर है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है मेरे भाई, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम सोचो सर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन तो सेम है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, भाई बैठा अगला एग्जाम्पल लेगा आपके सामने। अब आपके सामने बेटा ये वेक्टर है अगला 4 मीटर अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, 4 मीटर अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं, आई हैव अ वेक्टर 4 मीटर अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। करेक्ट बात है सर, करेक्ट बात है, सब मिलके बनाएंगे बेटा, मिलके बनाएंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना आप बेटा, डायरेक्शन तो सब जानते ही हो गए ना यार, ये तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, डन है सर, बिल्कुल सही बात है सर। ये एक वेक्टर है हमारा जो जा रहा है 30 डिग्री पे, है ना, ऑफ ईस्ट। तो जब बेटा मैं ऐसी इंग्लिश बोलता हूं ना तो इसका मतलब क्या है, ऑफ ईस्ट मतलब ये रेफरेंस ईस्ट है, ईस्ट से है, रेफरेंस ईस्ट है, 30 डिग्री रोटेट हो जाओ किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और अपना एक भाई प्लॉट कर दो, और ये एंगल होगा 30 डिग्री, और भाई ये कितनी लेंथ होगी, ये 4 मीटर हो गई। अगर तुम्हें देखना हो तो ए वेक्टर का जो मॉडुलस है, ये जो लंबाई है मेरी, दिस लेंथ इज 4 मीटर, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। यस सर, चक दे भट्टे, मजा आ रहा है ना, है ना। अब ये वाला जो वेक्टर है ये छोटू एरो, अब कोई बोले सर ये जो ऊपर भाई बैठा है छोटा सा, कौन सा कलर ले लें, चलो ये ले लेते हैं अपन, ये वाला जो भाई बैठा है ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है बच्चों, ये बात ना बच्चों, इतने मुझे पता है तुम्हें कहां दिक्कत आनी, मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, है ना, मुझे पता है तुम्हें कहां, आई नो बिल्कुल, है ना। तो ये छोटू है जो सिर्फ ये लिखने का तरीका है, ये हॉरिजॉन्टल गारंटी दे रहा है, ये छोटा एरो गारंटी दे रहा है कि भाई वो एक वेक्टर है, दैट्स इट, रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, इधर इधर जा रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यस सर समझ में आ गई ना ये बात, ये समझ में आ गई तो लाइफ सेट, ये समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। यस सर, चक दे पट्टे, जय माता दी। ठीक है जी, चलो बस बेटा फिर समझ गए तुम, बब्बर शेर बन गए, बस बन गए, यहीं पे बब्बर शेर बन गए आज के पहले सेशन में, है ना। तो ये वाला वेक्टर भी आपने प्लॉट कर दिया, और ऐसे ही बेटा मेरा एक और वेक्टर बना दो, ये बना दो फटाफट अपने, ये अपने दिमाग में विजुलाइज कर लो, दोनों मिलके इकट्ठे बनाएंगे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो मैं अगर यहां बना दूं ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, और मेरे भाई क्या वेक्टर था मेरा, 4 न्यूटन अलोंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना। तो वेक्टर मैं यहां लिख देता हूं 4 न्यूटन
अलोंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना, 4 न्यूटन लॉन्ग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना, डन। तो मुझे एक बात बताओ, 4 न्यूटन लॉन्ग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्या है, साउथ, है ना, वेस्ट ऑफ साउथ। अभी तो बताया सर आपने, ये जो बाद वाला है ये रेफरेंस है। साउथ से वेस्ट घूम जाओ, कितना एंगल घूमोगे 30 डिग्री, और तुम्हें क्या मिल जाएगा, 4 न्यूटन मिल जाएगा, तुम्हें एक फोर्स मिल जाएगी 4 न्यूटन की, और ये मेरा बन गया एरो। और फिर वही बात, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन छोटू एरो, इट इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यस सर, चक दे फटे, बड़ी सी स्माइल बेटा, चक दे फटे। यहां तक समझ में आ रहा है मेरे भाइयों को? यस सर, डन डन, चैंपियन बन जाओगे, बता रहा हूं मैं तुम्हें। वेक्टर्स में अभी तक बच्चे बेटा दुखी होते हैं, अभी तक पासिंग आउट बच्चे, ठीक है ना, चैंपियन बन जाओगे। और आज एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं ना, जो मार्केट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन सवाल पूरी मार्केट में यहां पे मैं खड़े होकर चैलेंज कर रहा हूं कहीं नहीं है। और तुम वो क्वेश्चन अगले आधे घंटे में करने वाले हो। आज ही जो इस मार्केट का वेक्टर्स का बेस्ट प्रॉब्लम है वो तुम्हारे सामने आने वाला है, ये होने वाला है, मैं बता रहा हूं, बस सुनो आराम से, बने रहो। हाँ ओके जी, चलो चक दे फटे। अगला बेटा आपके सामने आ रहा है, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। अब ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली उठा रहा हूं, मुझे पता है जहां पे मुझे आपको आराम से समझाना है। तो अब थोड़ा सा फिर आराम से समझने का मुद्दा आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप बेटा जो है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट है, नाम से पता लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड वन है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, ठीक है, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ए वेक्टर एक वेक्टर है, अगर ए वेक्टर एक वेक्टर है, इफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर, देन इट्स यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, इसको हम क्या बोलते हैं, ए कैप, ठीक है। अब बेटा कॉमन सेंस लगाते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा कैमरे के पास आता हूं, तुम्हें थोड़ा अब समझ आएगा भाई तुम्हारा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, देखो जरा, ठीक है, ये मैं अपनी चलो उंगली दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है, हाँ ये देखो जरा, ये देखो, ये विनय सर की फिंगर दिख रही है सबको, है ना, दिख रही है। इसके कितने पार्ट है, देखो ये एक, ये दो, ये तीन, ये एक, ये दो, ये तीन। तो ये एक वेक्टर है, लेट से किसी डायरेक्शन पे जा रहा है, और मेरे भाई दिख रहा हूं ना, हेलो, हाँ दिख रहा हूं, दिख रहा हूं, यस सर, ठीक है, ये एक वेक्टर है जिसकी लेंथ है 3, और ये किसी एक डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है, और इस वेक्टर का लेंथ है 3, इसी की ही डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर, छोटू वेक्टर ले लो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो, समझ रहे हो, ये वेक्टर था, इसी वेक्टर का जो छोटू वेक्टर जिसकी लेंथ 1 होगी वो होगा मेरा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है, आप सब टमाटर हो ना, ऐसे यूनिट वेक्टर होता है, छोटा भाई है बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, यू हैव अ वेक्टर, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में जो छोटू वेक्टर होगा जिसकी लेंथ 1 होगी उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब बेटा बहुत सीधी सी बात है, इसी वेक्टर को अगर तुम उसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, उसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो 1 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड 10 है, मैं आपसे पूछता हूं, किसी चीज का मैग्नीट्यूड 10 है, उसको 1 बनाना है तो कैसे बनेगा, 10 को 10 से डिवाइड करके, 20 को 1 बनाना है कैसे, अगर ये लेंथ 20 है, इसको 1 करना है कैसे है, तो उसका 1/20th पार्ट लेना पड़ेगा ना, मतलब 20 को 20 से डिवाइड कर दो तो वो आपका छोटू वेक्टर बन जाएगा, है ना, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट लगेगा आपको, है ना। तो आप इसको ऐसे समझो, मेरे पास एक वेक्टर है, अभी मैंने आपके सामने एक वेक्टर लिया 4 मीटर अलोंग, ध्यान से सुनना पुत्र बात को, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना सर, पता है सर, बिल्कुल पता है सर, आप बड़े स्टड आदमी हो, आपको पता है। तो मॉड ए किसके बराबर हुआ, मॉड ए हुआ 4 मीटर, मॉड ए हुआ 4 मीटर। तो अगर मैं यहां पे एक डायरेक्शन प्लॉट करूं, ये मेरा भैया आ गया ईस्ट, ये मेरा भैया आ गया नॉर्थ, ये मेरा भैया आ गया वेस्ट, ये मेरा भैया आ गया साउथ, डन है सर, चक दे फटे है। आपने सर ये वेक्टर बना दिया, बना दो यार, कोई टेंशन नहीं है, क्यों घबरा रहे हो, ये 4 मीटर की लंबाई होगी, ये मेरा एक वेक्टर आ गया 30 डिग्री पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और ये वाला भाई जो है, ये भाई का नाम है ए वेक्टर, डन है सर जी, डन है सर जी। अब अगर मुझे ए कैप बनाना है, सुनो मेरी बात को आराम से, ए की ही डायरेक्शन में जो छोटू वेक्टर है जिसका लेंथ 1 है वो स्पेशल वेक्टर है, क्यों, क्योंकि ए की डायरेक्शन में लेंथ 1 है,
आम वेक्टर नहीं, स्पेशल वेक्टर है, तो स्पेशल वेक्टर के ऊपर हम एरो नहीं लगाते, उसके ऊपर हम टोपी लगा देते हैं। क्यों स्पेशल है? क्योंकि उसकी लेंथ वन है। सो दैट इज अ वेक्टर। सो ए कैप भी एक वेक्टर है, और ए कैप अगर मुझे लेना है तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, तो ए वेक्टर लिखा पड़ा है तुम्हारे सामने, अपॉन मॉड ऑफ ए लिखा हुआ है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। तो जरा सोच लो, ये 4/4 ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, अगर इधर इधर ही ले लो, ये क्या बन गया, सोचो जरा 4/4 क्या बन गया, 1 along east, 1 along, है ना, 4 से 4 कट गया, सोचो जरा क्या बन गया, along 30° north of east। तो वेक्टर 1 है, 30° पे है, north of east पे है। समझ रहे हो? So that is the unit vector। A vector भी vector है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, है ना, दिमाग में खोपड़े में बिठा लो ये बात, A vector भी vector है, मंत्र पढ़ो घर पे बैठ के, A cap भी vector है, ठीक है, वो बड़ा है वो छोटा भाई है, वो बड़ा है वो छोटा भाई है, चक दे फटे बेटा चैट में एकदम से। और तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है कि मैं ऐसे ही बस बोली जा रहा हूं, चमक रहा है? यस सर, जल्दी बताओ, फटाफट अंगूठे भेज दो जरा एक बार, यलगार कर दो, यस सर डन, जय माता दी, जय माता दी, चक दे फटे, ठीक है। चलो, हमें यूनिट वेक्टर भी पता लग गया, हमें यूनिट वेक्टर बनाना भी आ गया, तो अब सर हम क्या करने वाले हैं, तो अब बेटा हम थोड़ा सा पढ़ाई को और आगे लेके जाते हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि कुछ खास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो एक्स एक्सिस के अलोंग इज कॉल्ड एज आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जिसकी लेंथ 1 हो उस वेक्टर को स्पेशल वेक्टर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आई कैप। यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो वाई के अलोंग, उसको मेरे भाई बोलते हैं हम जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और बेटा एक और एक्सिस होती है 3D में, ये वाली एक्सिस जेड एक्सिस, कौन सी होती है जेड। अब ये एक्सिस समझ रहे हो बाहर की तरफ, एक्स वाई तो सुनी होगी तुमने 10th में, कई बच्चों ने जेड भी सुनी होती है, तो जो बाहर आती है ना प्लेन के 3D में अगर आपको जाना है, सो दैट इज अ जेड एक्सिस, ठीक है ना। सोच के देखो, अगर मुझे दुनिया में एरोस को डिस्कशन करनी है तो एरोस प्लेन में तो होंगे ही होंगे, बहुत सारे इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अब प्लेन में बाहर जब महाभारत का युद्ध होता है तो कहीं भी जा सकते हैं ना, तो मुझे सभी एरोस को डील करना आना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो जेड एक्सिस ये है, अब ये तो मैं बना नहीं सकता, तो 3D में तुम्हें खुद फील करना है, ये एक्सिस बाहर को आ रही है, तो इसको मैं ऐसे टेढ़ा करके दिखा देते हैं। तो अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज कॉल्ड एज दी के कैप, इट इज कॉल्ड एज दी के कैप, एंड डेफिनेटली ऑल ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड, और के कैप का जो मॉड है, तीनों मेरे भाई 1 के बराबर है, तीनों की जो लेंथ है वो 1 के बराबर है, ठीक है जी, ठीक है जी। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट मेरे भाई कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब कैसे, सुनना जरा, नाउ अगले 15 मिनट में यू गाइज आर गोइंग टू फील द पावर ऑफ वेक्टर्स, कैसे, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब ध्यान से सुनना, एक वेक्टर जिसकी लेंथ 2 है, देखो 2 units है, दिख रहा है तुम्हें, और x के अलोंग आ रहा है, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, उसको मैं बोल सकता हूं 2i कैप। एक वेक्टर जिसकी लेंथ 5 है, यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम 1, 2, 3, 4, 5, और x के अलोंग जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज 5i कैप। मैग्नीट्यूड 5, डायरेक्शन i कैप, उल्टा ले लो -5i कैप, ऊपर ले लो लेंथ 2 है तो 2j कैप। और 3D में अगर तुम विजुलाइज कर पाओ एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 3 हो और z के अलोंग आ रहा हो, तो उसको मैं बोल दूंगा 3k कैप। सो बेसिकली यू कैन डिफाइन एनी वेक्टर अलोंग x, एनी वेक्टर अलोंग y, एनी वेक्टर अलोंग z, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू एनी वेक्टर एट एन एंगल आल्सो, एनी वेक्टर एट एन एंगल आल्सो। कैसे, सुनना आप ध्यान से, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर है मेरे पास a वेक्टर इन x y प्लेन, मैं यहां लिख देता हूं इन एक्स वाई, धीरे धीरे करके बात करने वाले हम, ठीक है ना। पहले मैंने क्या वेक्टर कौन से दिखाए, एक्स वाई जेड के अलोंग, और अब मैं तुम्हें एक प्लेन के अलोंग वाले वेक्टर को डील करने सिखाने वाला हूं, और फिर इसके बाद हम 3D वाले वेक्टर को डील करना सीख जाएंगे अगले 5 मिनट में, ठीक है जा। तो गाइज आई हैव अ वेक्टर, ए वेक्टर दैट इज गोइंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड लेट्स से इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एक्स वाई प्लेन में है और एक्स के साथ जो एंगल है वो थीटा एंगल है, करेक्ट बात है सर, कोई टेंशन नहीं। इस वेक्टर का अगर हम एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लें,
ठीक है ना। प्रोजेक्शन का मतलब इस वेक्टर की एक्स में जो परछाई गिरेगी, परछाई का मतलब क्या है, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। दो मिनट आराम से सुनो, पूरा समझ में आएगा। तो ये जो लेंथ हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड एज द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड इट इज कॉल्ड एज ए एक्स। सिमिलरली बच्चों, इस वेक्टर से अगर हम वाई डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर फेंक दें, है ना, वाई की तरफ एक परपेंडिकुलर फेंक दें, तो वाई डायरेक्शन में जो लेंथ मिलेगी अपने को दैट इज कॉल्ड एज the y component of a vector। तो अगर बेटा मैं तुम्हारे सामने पूछूं a x upon a, देखो ये right angle triangle है, ठीक है, ये वाली length upon ये वाली length, base upon hypotenuse, base upon अगर hypotenuse बच्चों किया जाए तो क्या होता है, आपको सबको पता है यार, base upon hypotenuse क्या होता है, sir cos theta, correct बात है। इसी तरह बच्चों अगर ए वाई अपॉन ए किया जाए, ए वाई ये वाली लेंथ अपॉन ये आपका हाइपोटेन्यूज, सोच के देखो जरा, ये लेंथ अगर ए वाई है तो मेरे भाई ये भी तो ए वाई है, तो आप इसी ट्राइंगल से देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, पता होगा ना अपने को ये सब बातें, है ना। तो ए वाई अपॉन ए अगर मैं कर दूं दैट इज कॉल्ड एज साइन थीटा, करेक्ट बात है सर, ये भी अपने को आता है, अपन चैंपियन है, यस सर, ठीक है। तो अगर इसको इधर ले जाओ, बस हो गई खत्म बात, हो गई खत्म बात। अभी देखो तुम्हें क्या बताने वाला हूं, तुम्हारी लाइफ सेट होने वाली है पुत्र, लाइफ सेट। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू बच्चों ए साइन थीटा। किसी भी वेक्टर के, सुनना मेरी बात को, अगर x डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो होता है ए कॉस थीटा, और अगर y डायरेक्शन में मुझे उसका कंपोनेंट लेना है तो वो होगा a sin थीटा। अच्छा, ये थीटा एंगल हम उस एक्सिस के साथ लेते हैं जहां पे cos थीटा कंपोनेंट आएगा। तो अगर आप x में एंगल थीटा है तो x में जो कंपोनेंट गिरेगा वो गिरेगा a cos थीटा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब जिस डायरेक्शन में a का cos थीटा की डायरेक्शन में, समझ, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया हुआ है a cos थीटा, अगर इस डायरेक्शन में cos थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली sin थीटा होगा। डन डन, चक दे फटे। अभी अभी सुनो जरा आराम से, अब तुम्हें समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैं एक वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं अपने कंपोनेंट्स में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है ना। अगर ये लेंथ ए एक्स है, ये लेंथ ए वाई है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो ये वेक्टर एक्स में कितना है, एक्स में ए एक्स है इंटू आई कैप, और वाई में कितना है, ए वाई इंटू जे कैप। सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एंड यू सी द पावर आई कैन राइट दिस वेक्टर इन अ मैथमेटिकल फॉर्म, I can write this vector in a mathematical form। अभी बस दो मिनट, पूरा सुनो, सब समझ में आ जाएगा, पूरा लाइफ सेट हो जाएगी, पूरा समझ में आएगा, चिंता मत करो, पर सुनना पड़ेगा पांच मिनट लगा के, ठीक है ना। ओके, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, अभी सब कंप्लीट हो जाएगा, सी दिस एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर हमारा एक वैक्टर 3D में है, जरा ध्यान से सोच के देखना, जरा सोच के देखो, अगर एक वैक्टर 3D में है, अब ये तो हो गया प्लेन का, है ना, ये तो हो गया प्लेन का, प्लेन में कंपोनेंट आया हमारा ए कॉस थीटा। अगर एक वेक्टर प्लेन में है तो एक कंपोनेंट आएगा एक्स में, एक कंपोनेंट आएगा वाई में, एक्स का कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा है वहां कंपोनेंट कॉस थीटा होगा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। और इसी तरह अगर हमें एक वेक्टर बच्चों लेना है, हाँ जी, 3D में, अगर हम एक 3D में एक वेक्टर लेंगे तो आप सोच सकते हो उसका जो एक्स में प्रोजेक्शन गिरेगा दैट इज कॉल्ड एज ए एक्स, Z में जो प्रोजेक्शन गिरेगा दैट इज ए जेड, समझ रहे हो। और ऐसे ही गाइज, ये थोड़ा सा यहां पे देखिए, ये थोड़ा सा एक सेकंड गलत हो गया, दिस इज X, ये आप यहां पे Y कर लीजिए, ये Y एक्सिस है, और इसे आप Z कर लीजिए, है ना, दिस इज Z एक्सिस। तो आपका जो Y डायरेक्शन में, आप समझ रहे हो, जो आपका कंपोनेंट गिरेगा दैट इज कॉल्ड एज ए वाई, और ऐसे ही जो Z डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट गिरेगा 3D में, अगर आप थोड़ा सा सोचें, दैट इज कॉल्ड एज ए जेड, है ना। और अगर मुझे इस वेक्टर को लिखना है तो एक्स में ए एक्स है, वाई में ए वाई है, जेड में ए जेड है, है ना। हाँ, तो इस तरह से उसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इस तरह से उसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, डन। अच्छा, फायदा देखिए जरा, अभी सुनते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा अभी एक सेकेंड के अंदर, है ना। अपन एक क्वेश्चन करते हैं अब दोबारा, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन करते हैं आपके सामने, एक वेक्टर है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए जरा, ठीक है, सुनो जरा।
हम दोबारा उसी क्वेश्चन पे आगे जहां से हम चले थे, 2 meter along east, है ना। तो I know that this vector is along 2 meter and the direction is along east, है ना, direction जो है उसकी east है। तो इस vector को आप कैसे लिखोगे, length is 2, direction is I cap, length is 2, direction is I cap। सुनते जाओ अगला। एक वेक्टर है 4 meter अलोंग 30 degree नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वेक्टर है 4 meter अलोंग 30 degree नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या है, 4 meter मेरी होगी भाई लेंथ, 30 degree में हो गया रोटेट नॉर्थ की तरफ, कहां से, ईस्ट से, दिस इज ईस्ट दिस इज नॉर्थ, करेक्ट बात है सर, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या मैंने वेक्टर्स जब पढ़ा तो क्या ये सोच के पढ़ा, ओके, क्या मैंने जब ये वेक्टर पढ़ा, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, एक मिनट दीजिए बस, जरा पूरा रिपीट करने वाला हूं, हाँ आराम से सुनो, जरा एक मिनट पूरी बात सुनो। हाँ, तो जब मैंने वेक्टर्स पढ़ा तो ये मैंने पहले आपको इंग्लिश सिखाई, अब मैं आपको इनका मैथमेटिकली नॉमनक्लेचर सिखा रहा हूं, ऐसे समझिए आप, ठीक है, डन, ठीक है, यस 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 यस, ठीक है ना, आराम से सुनो, ठीक है ना, आराम से सुनो, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया आने वाला है समझ में, हाँ ठीक है, यस यस अनुपम, एक मिनट अनुपम अभी आ जाएगा यार, पूरा सुन जरा एक बार, ठीक है ना। तो ये बेटा लेंथ 4 थी, अब सुनते जाओ, ये लेंथ 4 थी, तो 4 का 30 के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, 4 cos 30 डिग्री, एक वेक्टर का x की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट गिरेगा दैट इज 4 cos 30, कंपोनेंट कुछ नहीं है, इस वेक्टर की x में लेंथ, कितनी लेंथ है, x में इसकी प्रोजेक्शन, तो x में प्रोजेक्शन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जो प्रोजेक्शन मिलेगा दैट इज 4 cos 30, जिस डायरेक्शन में 4 cos 30 है उसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, 4 sin 30, सुनते जाओ बस, ठीक है ना, 3 एग्जांपल देके पक्का हो जाएगा। तो 4 into cos 30 डाल दो √3/2, मेरे भाई ये आता है 2√3, और 4 sin 30 बेटा अगर आप डाल दो दैट इज 4 into half, ये आपके पास आ जाएगा 2। अब सुनना आराम से, अब आराम से सुनना क्या बताने वाला हूं, ये जो वेक्टर है x में है 2√3, सुन लो, इस वेक्टर का x में कितना, आप ऐसे सोच लो यार, ऐसे सोच लो, चलो ये लेंथ कितनी है 2√3, तो ये 2√3, ये हाइट कितनी है 2, तो इस हेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस हेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2√3/2, इस हेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2√3/2, x में 2√3, y में 2, तो ये वेक्टर क्या हुआ, ये वेक्टर क्या हुआ 2√3i cap + 2j cap, तो आपने एक तरह से सोचो क्या सीख लिया, आपने क्या सीख लिया, आपने वेक्टर्स का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखना सीख लिया। एनी वेक्टर, सुनना मेरी बात को, एनी वेक्टर इन द वर्ल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समथिंग इनटू आई कैप प्लस समथिंग इनटू जे कैप if it is in xy plane and if it is in 3D, if it is in 3D, something into I cap plus something into J cap plus something into K cap and that something is called as the components of a vector. AX, ये सोच के देखो यार, ये जो क्यूब का डायगोनल होगा ना, ये जो कॉर्नर होगा, इसके कंपोनेंट इसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, x में AX, y में कितना है, सोच के देखो, ये AX है, ये हाइट AY है, दिख रहा है तुम्हें, और ये जो बाहर की तरफ आ रहे हो ये AZ है, ये बाहर की तरफ जो आ रहे, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, टेंशन मत लेना, ये आपका AZ है। तो आप सोच के देखो, अभी और भी क्वेश्चन आने वाला है, तो इसके हेड के कोऑर्डिनेट्स क्या है, AX कॉमा AY कॉमा AZ, और आप इसको क्या लिख के दे सकते हो, समथिंग इंटू आई कैप प्लस समथिंग इंटू जे कैप प्लस समथिंग इंटू के कैप, चक दे फटे, यस सर, आ रहा है समझ में, लव यू बेटा, लव यू, समझ में आ रहा है, जिस इसको समझ में आ रहा है एक बार अंगूठा भेज दो मुझे, मुझे पता लग गया तुम्हें समझ में आ रहा है, डन, ठीक है ना। बाकी अभी अभी और बस थोड़े 2 एग्जांपल और, चमक जाएगा, पूरा चमक जाएगा, ठीक है ना, 5 एग्जांपल और कराने वाला हूं, 5, चिंता मत करो, एक ही बात कर रहे हो तुम, एक छोड़ो, 5 कराने वाला हूं, डन, ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर गाइस, सुपर, थैंक यू सो मच। अच्छा अब एक मैं और लाइन ऐड कर देता हूं, अब लगे हाथ इतना तुम्हें तंग किया है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं यार, ये AX है, ये AY है, है ना, ये AX है, ये AY है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नीट्यूड कितना होगा मेरे भाई, मैग्नीट्यूड भी लगे आप लिख लेते हैं, इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा यार, ये तो पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है ना तुम्हें, AX² + AY² ये मेरे को क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यू सी दी पावर ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, आई कैन नॉट ओनली नेम अ वेक्टर, आई कैन ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, कोफिशियंट ऑफ आई स्क्वेयर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे स्क्वेयर,
और अगर आप 3D में हैं, अगर आप 3D में हैं, तो उसी वेक्टर का जो मॉड होगा वो किसके बराबर होगा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर बेटा प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर, कोफिशियंट ऑफ आई स्क्वेयर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे स्क्वेयर प्लस कोफिशियंट ऑफ के स्क्वेयर। और यार इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड यार ये क्या है, ये थोड़ा सा कर तुम बुद्धि लगाई लो, ये दिख रहा होगा ना तुम्हें, एक्चुअली ये तो तुम्हें 3D लुक बनाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया है ना। अब जरा सोच के देखो, इट इज अ क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड की एक्स में जो लेंथ है वो ए एक्स है, इस क्यूबॉइड की वाई में जो लेंथ है वो ए वाई है, इस क्यूबॉइड की जेड में जो लेंथ है वो क्या है मेरे भाई, ए जेड है, है ना। तो मेरे भाई अगर मुझे ये एक्स वाई जेड समझ रहे हो, तो इसकी जो डायगनल होगी, सोच के देखो जरा, जो इसकी डायगनल होगी जिसको मैं ए बोलता हूँ वो क्या होगी, यही तो होगी एल स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस अंडर रूट, है ना। अब तो आ गया समझ में, अब आ गया समझ में। तो इस रेड एरो का ये तो हो गया, ये तो होगी कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस है, ये अब आपकी थोड़ी सी साइंस है। इस रेड एरो का नाम भी तो कुछ होगा दुनिया में, इस दुनिया में मैं हूं, अरविंद सर हैं, बच्चे हैं, टमाटर हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं, हर एक का अपना नाम होता है। तो वेक्टर्स के साथ ना इंसाफी कर दें, इनका नाम ना रखें, तो हम पंडित बन गए, इनका नामकरण करना सीख रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर को दुनिया में, कोई भी वेक्टर कहीं भी जा रहा हो, something into I cap, something into J cap, something into K cap, when something is called as the components along X, Y and Z direction. अब हुआ क्लियर चमका, अब चमका, yes sir, yes, अब आया ना मजा, ना आया नहीं है, अब चमका ना, दिमाग हो गया ना सेटअप, आ गई ना पूरी फील, yes sir, done, ठीक है, चलो बाकी अब चिंता ना करो, दो मिनट पूरा सुनो, फिर पूरा तुम्हें चमक जाएगा, ठीक है। ओके, ये एक एग्जांपल रह गया, इसको हम बेटा, इसको हम एक और प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन क्या था, राइट दी वेक्टर्स एंड राइट देयर यूनिट, अब ये भी तुम्हें बताता हूँ, इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं हम। 4 न्यूटन लॉन्ग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना, फोर, ये कहाँ आ गया मैं, हाँ यहाँ पे आ गया, हाँ 4 न्यूटन, देखिए जरा वेक्टर क्या है, 4 न्यूटन अलॉन्ग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना, यही है ना, 30 डिग्री अलॉन्ग वेस्ट ऑफ साउथ। तो बेटा आओ मिलके बनाते हैं, अब ज्यादा समय नहीं लगना, अब जहाज उड़ गया हमारा, ये हमारा ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, वेक्टर है मेरा 4 न्यूटन, वेक्टर है मेरे भाई मेरा 4 न्यूटन, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है, साउथ रेफरेंस, वेस्ट की तरफ हमने घुमा दिया, लेंथ है उसकी 4 और वेस्ट की तरफ घुमा 30 डिग्री एंगल, ये हमने लिख लिया, ये इंग्लिश थी, ये थी इंग्लिश। अब हमारे बच्चे इंग्लिश से ऊपर उठेंगे, इन वेक्टर्स का नाम लिखना सीखेंगे, क्या है नाम बता दो, क्या है नाम, आपने इस 4 का कंपोनेंट लेना है। अब सुन लो मेरी बात को आराम से, आराम से सुनते जाओ, ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है, डन। तो एक्स में कितना कंपोनेंट गिरा, ये लेंथ कितनी है, कंपोनेंट मतलब x में प्रोजेक्शन, तो x में कितना गिरा 4 है, 4 का x के साथ एंगल है थीटा, तो 4 सर cos 60 डिग्री, 4 cos थीटा, ठीक है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन आती है तो टेंशन मत ले यार, इसको x ले ले, सोच, है ना, तो x अपॉन 4, ये ट्राइंगल ले ले, x अपॉन 4 किसके बराबर है, कुछ भी नहीं है, थीटा के ऑपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हमारा बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन 4 इज cos 60 डिग्री, ठीक है सर जी, डन है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू कॉस 60, दैट इज हाफ, ये सर आगे किसनी 2 के बराबर, तो ये मेरे भाई किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई, डन सर, ठीक है, आ गई ना, आ गई। इसी तरह बच्चों अगर मैं y डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो ये कितना आएगा, अगर इधर 4 cos 60 है तो इधर आ जाएगा 4 sin 60 डिग्री, दैट इज 4 इंटू सर रूट 3/2, चक दे फटे फटाफट कर दो, है ना, दैट कम्स आउट टू बी 2√3, ठीक है। तो ये वेक्टर, सुनो मेरी बात, अब बड़े हो गए तुम लोग, ये वेक्टर अब क्या लिखा जा सकता है, ये वेक्टर अब क्या लिखा जा सकता है, बताओ क्या लिख सकते हैं इस वेक्टर को, चैट में लिख के बता दो, चलो बताओ क्या लिख सकते हैं इस वेक्टर को, फटाफट फटाफट, अब मैं तुमसे सुनना चाहूंगा, तुमसे सुनना चाहूंगा, क्या है ये वेक्टर, जल्दी 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 बोलो क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नाम बताओ इसका, हाँ अब सही हुई बात, अब सही हुई, वेल डन वेल डन वेल डन, अब नाम आ रहे हैं तुम्हें, ये है हमारा x में है नेगेटिव तो -2i कैप, समझ रहे हो, x में है नेगेटिव -2i कैप और y में है नेगेटिव ऑल्सो -2√3j कैप, तो
-2i cap -2√3j cap तो इस वेक्टर को बच्चों आप समझो बेटा, यू सी अभी सिर्फ हमें, मैं सेशन का टाइम देख रहा हूं, सिर्फ एक घंटा हुआ है एंड यू गाइज हैव ग्रोन अप इनफ दैट वी आर कैपेबल ऑफ राइटिंग अ वेक्टर मैथमेटिकली. वी आर कैपेबल इनफ ऑफ राइटिंग अ वेक्टर मैथमेटिकली. यस सर, है ना? यस सर, करेक्ट बात. अच्छा अब लगे हाथ मुझे इस वेक्टर का मॉड बता दो. मॉड किसके बराबर है ना? मॉड किसके बराबर है? कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस माइनस टू रूट थ्री स्क्वायर, है ना? आप इसको बेटा करना, जरा करके देखना. ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12. तो 12 प्लस 4 16, 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4. और मेरे को करने की भी जरूरत नहीं थी, मैग्नीट्यूड तो 4 ही था ना, मैग्नीट्यूड तो 4 ही था, 4 ही आना चाहिए, है ना? करेक्ट बात है. तो अगर मैं तुमसे पूछूं, लगे हाथ यहीं पे हम बेटा उड़ाने वाले हैं इसको, कि ए कैप क्या होगा? ए कैप क्या होता है? ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए. तो अगर तुम ए कैप को लिखोगे तो ए कैप किसके बराबर होगा? माइनस टू आई कैप माइनस टू रूट थ्री जे कैप अपॉन मॉड, मॉड इज 4. सो दिस इज ए कैप, दिस इज ए कैप. ए कैप भी एक वेक्टर है एंड इफ यू वांट मी टू ड्रॉ इट हेयर, ए की ही डायरेक्शन में जो वेक्टर जिसका लेंथ 1 होगा वो ए कैप होगा. तो बच्चों मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, ए कैप भी वेक्टर होता है, एक वेक्टर की डायरेक्शन में होता है और छोटू वेक्टर होता है. चैट पे लिख दो, चक दे फटे. अब क्लियर हो गया पूरा? एकदम से एकदम फील आ रही है सॉलिड वाली. अब क्लियर हो गया? ठीक है, जो बच्चे सेशन में अभी ज्वाइन किए हैं जिनको ये पता नहीं लग रहा आई कैप जे कैप क्या है, मेरे भाई आप लाइव मत, आप शुरू से आ जाओ, आप दोबारा देखो वीडियो, शुरू से देखोगे तो कॉन्टिन्यूटी फील होगी. ठीक है ना? चक दे फटे लिख दो फटाफट बेटा. यस सर, चक दे फटे. डन है, डन है. जय माता दी, जय माता दी. चलो चलो, सुपर सुपर सुपर. तो हम एक वेक्टर को लिख सकते हैं, हम उसके यूनिट वेक्टर को भी लिख सकते हैं. अब थोड़ा सा लाइफ में बेटा प्लेन से बाहर आ जाओ. एक वेक्टर है जिसके जिसके हेड के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 और मुझे लगता नहीं है इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत है. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये यहां तक कैसे पहुंचा, ये यहां तक कैसे पहुंचा मेरे भाई बताओ. ये एक्स में 1 चला होगा, ये सब आता होगा, वाई में 2 चला होगा, सोच रहे हो, और जेड में 3 चला होगा. समझ रहे हो ना? बाहर की तरफ ये 3D वाला वेक्टर है. तो ये वेक्टर का नाम क्या होगा? ये वेक्टर का नाम होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. इस वेक्टर का नाम क्या होगा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. यस सर, यस सर. ठीक है, खत्म हो गई बात. ठीक है ना? चक दे फटे. और इसी की डायरेक्शन में, अगर मेरा भाई कोई चाहता है यार छोटू वेक्टर बना दो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 है, 3D में एक वेक्टर जिसकी लेंथ 1 है, समझ रहे हो, अगर मुझे कोई ए कैप दे दे तो भैया मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम बस मुझे उसका मैग्नीट्यूड दे दो, तुम मुझे उसका मैग्नीट्यूड दे दो, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए. और इसका मेरे ख्याल से मॉड अगर आप निकालोगे आपको दिख रहा होगा 1 square plus 2 square plus 3 square, दिस होल थिंग कम्स आउट टू बी रूट 14, एंड दिस कम्स आउट टू बी, ये कितना आ गया देख लो, ये कितना आ गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप बाय रूट 14. तो ए कैप भी आई कैप जे कैप के कैप में लिखा जाएगा क्योंकि वो खुद एक वेक्टर है, पर वो छोटू वेक्टर है. डन, इजी सर. ठीक है ना? इजी तुम्हें लग रहा है, भाई पढ़ा रहा है इसलिए इजी. इतना बच्चों के धुएं तोते निकल जाते हैं इसमें. हाँ यस सर. ठीक है ना? ओके ओके गाइस, अब देखना जरा, अब तुम ना अगले आधे घंटे में चैंपियन बनने वाले हो. ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगले आधे घंटे में तुम लोग चैंपियन बनने वाले हो, ये मेरा तुम लोगों से वादा है और प्रॉमिस है. ठीक है, डन है, रेडी हैं सभी, ऑल आर रेडी. छोड़ना मत, सुपर ऑसम फील आने वाली है तुम्हें, मैजिक क्रिएट होने वाला है इस क्लास के अंदर अभी, मैजिक. ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं बेटा, ये एंगल्स याद रखना. अगर थीटा 37 हो तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 3/5. ठीक है ना? कॉस थीटा की वैल्यू होती है 4/5 और टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस. तो अगर आप देखोगे ये आ जाएगा 3/4. ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो आपने 10th क्लास में हो सकता है ना सुने हो. 53 एंगल, 30 डिग्री सबको पता है, 45 सबको पता है, 60 सबको पता है, मैं इनके अलावा एंगल्स दे रहा हूं. 53 डिग्री होता है आपका 4/5, कॉस 53 होता है 3/5 और टेन 53 होता है बेटा 4/3. इन एंगल्स की एक खास बात है, मैं अगर आपके सामने साइन 30 लेता हूं तो आता है 1/2,
कॉस 30 लेता हूं तो आता है आपका रूट 3/2, और अगर मैं टेन 30 डिग्री लेता हूं, ये वैल्यू सबको याद होगी, आती है 1/√3, याद है आपको? इसके अलावा कोई और भी एंगल ले लो। तो इन एंगल्स की, जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उनकी एक खास बात है कि अगर एक की वैल्यू रैशनल है पी बाई क्यू, दूसरा इरेशनल है, दूसरे में गंध है रूट है, और तीसरे में फिर गंध है, उसके अंदर फिर रूट है। लेकिन इन एंगल्स की खास बात मेरे भाई क्या है, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दीज एंगल्स, दैट दीज आर ऑल नीट एंड क्लीन वैल्यूज, सारे आपके रैशनल वैल्यूज आएंगे। तो साइन याद रखो 37 3/5, 4/5 3/4, 53 4/5 3/5 एंड 4/3, डन, चक दे फटे, ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, मैंने करना है, उससे अगला क्वेश्चन हम दोनों मिलके करेंगे और तुम मेरे से पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने क्या आ रहा है, फाइंड F1 एंड F2 सच दैट बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम। F1 F2 की वैल्यू निकालो सच दैट बॉल इज इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों मेरे पास एक बॉल है, ध्यान से सुनना, इस बॉल पे तीन फोर्सेस लग रही है, एक F1, एक F2 और एक 100, तीन फोर्सेस लग रही है। F1 x में लग रही है, 100 नीचे लग रही है, और F2 आपकी एंगल पे लग रही है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है मेरे भाई, ये सुना ही होगा तुम लोगों ने, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अभी तुम्हें कुछ सिखाया भी नहीं और तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो तो तुम्हें नेट फोर्स जीरो करनी है, ठीक है यार। ये सिर्फ कॉमन सेंस से सोचो, सुनो बस मेरे को, पेन छोड़ दो, सब छोड़ दो, सुनो, ये एक्स में है कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लूंगा, ये वाई में है कोई दिक्कत नहीं है सर, संभाल लूंगा, ये एंगल पे है सर, ये तंग कर सकता है, ये सर तंग कर सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं सर, इसके ना टुकड़े कर लेते हैं, क्योंकि ये F2 जिनसे बना है, F2 जिनसे बना है, अगर F2 को तोड़ा जाए एक्स में, सोचो इस F2 का अगर मैं इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ले लूं, तो इधर कंपोनेंट आएगा, क्यों कर रहा हूं अभी पता लग जाएगा, F2 cos 53 डिग्री, जिस डायरेक्शन में वेक्टर का एंगल थीटा है, उस डायरेक्शन में मेरे भाई जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा F cos थीटा, तो F2 cos 53 डिग्री, जय माता दी। अगर इधर बेटा F2 cos 53 है, तो इधर ऑटोमेटिकली F2 sin 53 डिग्री होगा। देखो यार ये तो लॉजिकल है ना, एक कंपोनेंट इधर गिरेगा और एक कंपोनेंट आपका इधर गिरेगा, तो ये वाला जो वेक्टर है ये इन दोनों से बना है, ये इसके टुकड़े हैं, ये इसके कंपोनेंट हैं, इसके बच्चे हैं, ठीक है। F2 cos 53, F2 sin 53, डन है सर, डन है सर, चक दे पट्टे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या है सर F1, ये क्या है सर 100, और सर देखो आंसर आ चुका है, cos 53 अभी मैंने आपको दिखाया, लिख लो यहां पे cos 53, वैसे याद ही हो जाएगा तुम्हें, ये होता है 4/5, तो cos 53 होता है आपका 4/5, तो दिस थिंग इज इक्वल टू 4/5 F2, और दिस थिंग इज इक्वल टू बच्चों sin 53, है ना, sin 53 आपका होगा सर, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, एक सेकंड, हाँ ये एक्चुअली कॉस नहीं, ये साइन है, हाँ साइन 53 होता है आपका 4/5, एक सेकंड बेटा मैं अभी टमाटर ही हूँ, है ना, हाँ ये होता है 3/5 F2 एंड दिस इज इक्वल टू 4/5 F2, 4/5 F2, डन है ना, डन है ना, है ना। तो अब देखिए जरा आराम से, अब देखिए जरा ध्यान से, एक एक एरो इधर जा रहा है और एक एरो इधर जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, एक राइट में जा रहा है ये वाला, एक लेफ्ट में जा रहा है, और मैं चाहता हूं नेट जीरो हो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट जीरो हो, तो जितना इधर खींच रहे हैं उतना इधर खींचे, कॉमन सेंस समझ में आ रही है ना। तो क्या पता लगा इससे, F1 किसके बराबर होना चाहिए, ये फोर्स इससे कैंसिल हो जाना चाहिए सर, दिस इज इक्वल टू 3/5 F2, F1 इज इक्वल टू 3/5 F2, ये इससे कैंसिल हो जाना चाहिए, और मेरे भाई ये वाला जो है ये इससे कैंसिल हो जाना चाहिए, जितना ऊपर को 4/5 F2 जितना ऊपर को उतना नीचे को, दैट इज इनटू, ठीक है ना, ऊपर जितना है उतना नीचे है, तो यहां से बेटा F2 आ गया, F2 की वैल्यू यहां डाल दो, मेरे ख्याल से समझ रहे हो, आ गया आपका F1 आ गया, समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ फटाफट चैट में, चक दे फटे, पता लगा कि नहीं आया, समझ में आया, लॉजिकल है ना, जितना ऊपर उतना नीचे, है ना, मतलब अगर कोई फोर्स इधर लग रही है उतनी ही फोर्स इधर लग जाए और ये इससे कट जाए, तो नेट फोर्स आपकी क्या होगी, नेट फोर्स आपकी जीरो हो जाएगी, यही तो इक्विलिब्रियम होता है, F1 F2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है, अमेजिंग। और सी दी पावर,
सीधी पावर चैंपियन बन गए बेटा तुम, चैंपियन तुम्हें अभी मैंने, सुनो ध्यान से, अभी तुम्हें मैंने वेक्टर्स शुरू भी नहीं करवाया, तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है वेक्टर ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे, तुम्हें रिजल्टेंट निकालना सिखा दिया तीन वेक्टर्स का। और सुनो नजारे, नजारे आने वाले, नजारे नजारे हैं ये, नजारे छोटी मोटी बात नहीं है। F1 F2 अब एंगल पे हैं दोनों, सुनते जाओ सुनते जाओ, चैंपियन बन जाओगे। F1 भी एंगल पे है, F2 भी एंगल पे है, 100 नीचे है। आपसे पूछा गया फाइंड F1 एंड F2 सच दैट द बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम, F1 F2 की वैल्यू निकालो जिससे अगेन इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम बोलने तो सर नेट फोर्स जीरो। अब हर बच्चा मेरे साथ दोहराएगा, इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहली फील दिमाग में क्या आती है, सबसे पहली फील, अभी बताई सर ने, 100 से कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, 100 तो भाई है, भाई है अपना, गाली कोई नहीं, पंजाबी जब कहने हैं गाली कोई, 100 तो अपना भाई है, ठीक है, 100 अपना भाई है। प्रॉब्लम F1 से है, एंगल पे है ना, एंगल पे चीज अच्छी नहीं लगती, पेल देते हैं इसको। इसका सर एक्स में कंपोनेंट निकालते हैं, एक्स में कितना आएगा सर, सर एक्स में आएगा F1 cos 37 आ जाएगा सर, ठीक है डन है। अगर सर इधर कॉस आया, इधर तोड़ा तो इधर कॉस आया, तो इधर आ गया F1 sin 37 कॉस साइन, कॉस होता है सर कितना, 4/5, 4/5 F1, साइन सर होता है 3/5, तो 3/5 F1 चक दिया सर, इसको चक दिया, नबेड़ दिया इसको, पंजाबी में अपन कहने अपने खदेड़ दिया इसको, नबेड़ दिया, निबड़ गया ये, इसका हैप्पी बर्थडे कर दिया, F1 को तोड़ दिया हमने, हैप्पी बर्थडे। कॉस साइन इन दोनों टुकड़ों से F1 बना है, डन, यस सर, आ रहा है समझ में, आया ना, डन डन। इसी तरह अगर मैं F2 को देखूं, F2 का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 53 डिग्री है, तो F2 को अगर बेटा मैं हॉरिजॉन्टली तोड़ दूं, तो F2 का इधर जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, F2 cos 53 डिग्री, That is 4/5 F2, F2 cos 53 is 4/5 F2, और एक इधर अगर cos आया, इस direction में अगर cos आया, तो मेरे ख्याल से उसके perpendicular automatically कितना आ गया, F2 sin 53 degree, ठीक है ना, F2 को पेल दिया, F2 को इधर से पेल दिया, F2 cos 53, F2 sin 53, जानना सर, बिल्कुल सही बात है, F1 भी पेल दिया, F2 भी पेल दिया, है ना, सही है ना बेटा, जल्दी बताओ, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो जरा लाइक करो, लाइक नहीं किया अभी तक, देख रहा हूं मैं, बच्चे ज्यादा लाइक नहीं हुआ है ना, यस सर, नहीं आया समझ में, ओके नहीं आया, अच्छा एक बच्चा कह रहा नहीं आया, अच्छा काफी बच्चे कह रहे हैं आ भी गया, ठीक है कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं एक बार क्विकली बता देता हूं, दोबारा आराम से सुन ले मेरे भाई, कुछ नहीं है इसके अंदर, मैं दोबारा बता देता हूं, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टमाटर होंगे जिनको नहीं आया होगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहां आ जाता हूं, ठीक है। F1 37 डिग्री पे था बच्चों, ये F1 अगर हम x में तोड़ लें, सीधी बात है ये हमें एंगल पे अच्छी नहीं लगती, इसे हम तोड़ेंगे, तो X1 में अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा F1 cos 37 डिग्री, अगर जिस डायरेक्शन में cos थीटा है उसके परपेंडिकुलर जो उसका प्रोजेक्शन मिलेगा वो ऑटोमेटिकली मिलेगा F1 sin 37 डिग्री, तो एक आ गया cos, एक आ गया sin, एक आ गया cos, एक आ गया sin, हो गया ये वाला, है ना, जय माता दी, जय माता दी। ऐसे ही मैंने F2 को तोड़ा है बेटा, ऐसे ही मैंने F2 को तोड़ा है, तो F2 का जो x में प्रोजेक्शन आया, है ना, ये वाला, ये प्रोजेक्शन कितना आया F2, ये थोड़ा सा यहां घुस गया, ये F2 cos 53 डिग्री, F2 cos 53 डिग्री जो मैंने यहां बना दिया, है ना, और अगर इस डायरेक्शन में cos 53 डिग्री है तो इसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली F2 sin 53 डिग्री, तो दूसरा जो है वो है F2 sin 53 डिग्री, ठीक है ना, मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया, अब भी अगर किसी को दोबारा वीडियो पे एक बार सुन लेना, है ना, अब तो आ गया समझ में यार, एक बार अंगूठा भेज दो, है ना, डन ना डन, ठीक है बस बेटा, जय माता दी, बस उसके बाद तो होगी गेम खत्म, कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, अब क्या बचा, ऊपर कितना है, आप देखो जरा, ऊपर है आपका एक है 3/5 F1, एक है 3/5 F1, और दूसरा है ये आपका F2 sin 53, F2 sin 53 होता है 4/5, तो दूसरा है आपका 4/5 F2, और इसी तरह बच्चों अगर मैं राइट वाला, अच्छा नीचे कितने हैं, नीचे है आपका 100, नीचे कितना है आपका 100, राइट में कितना है, राइट में है आपका बेटा कितना 4/5 F1, राइट में है कितना 4/5 F1,
है ना, देख रहे हो ना आप F1 cos 37 और लेफ्ट में कितना है 4/5 F2, 4/5 F2। तो मेरे ख्याल से बच्चों लाइफ सेट हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। अब क्या करना है, अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, तो जितनी प्लस x में है उतनी माइनस x में है। तो पहली इक्वेशन आप क्या लिखोगे, 4/5 F1 जितना राइट में उतना लेफ्ट में इक्वल टू 4/5, सॉरी ये 4/5 ही आ रहा है ना, हाँ, और इधर है cos 53 होता है 3/5, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये थोड़ा सा बेटा गलती हो गई है, ये बीच बीच में मैं अपनी टमाटर गिनतियां करता रहता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ तो ये आपका 3/5 है, एग्जैक्टली, सो दिस इज 3/5 F2। एक सेकेंड, चलो मतलब मुद्दे की बात है, कंसेप्ट की बात है, तो 4/5 F1 इज इक्वल टू 3/5 F2, ये मेरी भाई आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन बेटा आपकी क्या आएगी, जल्दी बताओ सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, जितना ऊपर को है, जितना टोटल ऊपर को है, टोटल ऊपर देख लो कितना है, टोटल ऊपर कितना है 3/5 F1, 3/5 F1 प्लस 4/5 F2 प्लस 4/5 F2, जितना वो टोटल ऊपर को है उतना ही टोटल नीचे को है इक्वल टू 100, जितना ऊपर को उतना नीचे को, नेट 40। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल बेटा, बल्ले बल्ले लिख दो चैट पे, बल्ले बल्ले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बल्ले बल्ले लिख दो फटाफट, बल्ले बल्ले बेटा, हो रही है कि नहीं हो रही है, जल्दी बताओ। यस सर, है ना, आ रहा है समझ में गाइस, बल्ले 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 बल्ले, क्या बात है, बल्ले बल्ले एकदम, ओए होए होए होए, क्या बात है पुत्र, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, यही चाहिए भाई, यही चाहिए अपने को, हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, जय माता दी, डन 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 डन, चक दे फटे बेटा, बस यही चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अब आप देखो कैसे आप चैंपियन बनते जा रहे हो, ठीक है। एंड नाउ गाइस, अ क्वेश्चन इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इस सवाल को देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, सुनते जाओ, आपको बताना है रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स आपके सामने हैं और आपको इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है ना, यस सर, 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। कोई कह रहा है पहली इक्वेशन गलत है, ये मैं देख लेता हूं एक बार, हाँ सॉरी 3/5, हाँ ठीक है, मतलब बता तो दिया यार, लिखा गलत है तो क्या हो गया, फीलिंग तो सही दी है तुम्हें, समझ गए अब, ठीक है ना, डन है ना, हाँ मतलब माई बैड, मेरी गलती है, नो डाउट, ठीक है ना। तो 4/5 F1, 3/5 F2, डन, ठीक है ना, अब सही है, चलो ठीक है, हो गया, जाने, कोई नहीं, वो तो फिगर में ठीक कर दिया था तो ठीक हो गया था आपका, ठीक है, चलो। अच्छा अब ये बताओ, इन 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताना है, ठीक है। अब नेट फोर्स 0 नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम नहीं है, चैंपियन क्या करोगे, देखते साथ क्या दिमाग में, पहली चीज क्या आती है मेरे भाई, ठीक है ना, पहली चीज क्या आती है दिमाग में, 5 है 37 डिग्री पे, ठीक है, क्या करेंगे सर, इसे पेल देंगे, सर पेल दो, मैं यहीं पे बनाता हूं, 5 का x में कंपोनेंट आएगा 5 cos 37, अगर x में cos 37 है तो y में आ जाएगा 5 sin 37, cos 37 होता है 4/5 तो ये आ जाएगा 4, और साइन 37 होता है आपका 3/5 तो ये आपका आ जाएगा 3। तो मैं ना यही बना लेता हूं साफ सुथरा, सर ये आ गया 4, ये आ गया सर 3, ये आ गया 4, है ना, ये आ गया 4, ये आ गया सर 3, करेक्ट बात है सर, है ना, एक क्या बात है सर, वेरी गुड। अच्छा ऐसे ही अब 10 को देखिए, ठीक है ना, ऐसे ही आप 10 को देखो, 10 भी आपका एंगल पे है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, क्या करेंगे, इसको भी पेल लेंगे, पेल दो इसको, x में जब पेला तो कितना आया 10 cos 53 degree, और cos 53 डिग्री क्या होता है 4/5, और ये आ गया आपका 2, तो 4 × 2 = 8, ये आ गया 8, तो x में आ गया 8, और ऐसे ही जब इसका y में प्रोजेक्शन लिया तो कितना आ गया 10 sin, अगर इधर cos थीटा तो ऑटोमेटिकली उधर sin थीटा, 10 sin 53 degree, दैट इज 10 × 4/5, है ना, 10 × 4/5, मैं क्या करता हूँ बार बार इसको, क्यों बेटा मेरे को कुछ हो गया है मुझे, है ना, ठीक कर दो बेटा मुझे प्लीज, है ना, हाँ दिस इज 3/5, चलो कोई बात, मैं बड़ा जान के लिखता हूँ, हाँ मैं भी बड़ा स्मार्ट हूँ, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे गलत लिखा था, ना 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 जान के लिखा था मैंने, देखो बच्चे जाग भी रहे हैं कि नहीं ये अरे हम भी खेल जाते हैं बेटा ऐसे ही बस हमें क्या समझ रहे हो तुम लोग, है ना, अपन भी खेलते हैं कभी कभी, तो दिस इज 6,
और ऐसे ही अगर आप उधर देख ले मेरे ख्याल से दैट इज इट, है ना। तो मेरे ख्याल से यस 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 लोल हो गया ना, लोल हो जाता है कभी कभी ऐसे ही। तो बच्चों दिस इज सिक्स, इसको अगर हम पीछे ले जाएं तो मेरे भाई ये आ गया मेरा भाई सिक्स, और अगर मैं उसे ऊपर ले जाऊं तो वो मेरा भाई आ गया ऊपर एट, तो ये छह आ गया, वो मेरा भाई ऊपर आठ आ गया, और मेरे भाई ये नीचे वाला जो भाई है ये भाई कितना है, ये भाई है मेरा ट्वेंटी भाई है, ठीक है। ये कितना है मेरा भाई, ट्वेंटी भाई है, ठीक है। यस सर, यस सर, आगे समझिए, ट्वेंटी को कुछ नहीं कहा, फाइव को तोड़ लिया, सुन लो फटाफट, फाइव को तोड़ा फोर एंड थ्री, ऐसे ही टेन को तोड़ लिया सिक्स एंड एट, टेन को तोड़ लिया सिक्स एंड एट, और अब आपने कर देना है बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले, क्योंकि बेटा दुनिया सारी है थल्ले थल्ले। अब देखो जरा, ये सिक्स है ये फोर है, मुझे बताओ इधर फोर है इधर सिक्स है, नेट कितना आएगा जल्दी बताओ चैट पर लिख के, नेट कितना आएगा और किधर आएगा, कॉमन सेंस है यार, इधर फोर है इधर सिक्स है, नेट कितना आएगा जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। माइनस टू, ये हुई ना बात, अब चैंपियन बन रहे हो तुम, यू आर एक्टिंग लाइक चैंपियन। तो नेट जो बना वो बना टू, सिक्स में से फोर निकाल दो, इधर को टू बना, ठीक है। अच्छा ये देखो जरा, थ्री ऊपर एट ऊपर, थ्री ऊपर एट ऊपर, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया इलेवन, है ना, थ्री भी ऊपर एट भी ऊपर, तो इलेवन ऊपर है ट्वेंटी नीचे है, चैट पे लिख के बताओ इलेवन ऊपर है ट्वेंटी नीचे है, नेट किधर आएगा और कितना आएगा, नेट किधर आएगा और अब बेटा आ रहे हैं मेरे बब्बर शेर जाग रहे हैं, बब्बर शेर वेरी गुड पुत्र, अब बनी बात हाँ, तो 20 ऊपर 11 नीचे, तो मेरे भाई बब्बर शेर मेरे क्या कहते हैं, ये बन गया मेरा 9, लाइफ सेट है। तो ये सारे तीन वेक्टर्स, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का रिजल्टेंट सुनो ध्यान से, इन तीनों का रिजल्टेंट एक्स में आ रहा है माइनस टू, एक्स में आ रहा है माइनस टू, वाई में आ रहा है माइनस नाइन, एक्स में आ रहा है माइनस टू, वाई में आ रहा है माइनस नाइन, और इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा, इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वेयर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वेयर, माइनस टू स्क्वेयर माइनस नाइन स्क्वेयर, और ये किसके बराबर निकला मेरे भाई, ये निकला किसके बराबर, 4 प्लस 81, इट इज रूट ऑफ 85, 4 प्लस 81 रूट ऑफ 85। तो ये जो भी वेक्टर बना इनका 9 और 2, ये जो भी नेट बना, सोच रहे हो, ये जो भी नेट वेक्टर बना उस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो होगा रूट 65, रूट 65। क्या किया है तुम लोगों ने, अब छोड़ दो, मैं छोड़ रहा हूँ कॉपी पेन पुत्र, छोड़ दो पुत्र, ये बेटा मोहब्बत करनी, अब हमने टू वे मोहब्बत करनी है, यहाँ पे खड़े होके सीखा गया, पहले बताओ मुझे क्या सीख लिया तुमने, क्या सीख लिया, किसी को एहसास भी हुआ हमने किया क्या, अभी किसी को एहसास हुआ किया क्या बेटा, तुमने एक नहीं, तुमने दो नहीं, तुमने तीन वेक्टर्स का, वन टू थ्री, तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना सीख लिया बिना टॉपिक शुरू किए। तुम्हें मैंने अभी तक रिजल्टेंट निकालना सिखाया नहीं है, रिजल्टेंट निकालना सिखाया नहीं है, बट फिर भी हमने तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट लेना सीख लिया। दिस इज द पावर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स की ताकत का एहसास हो रहा है तुम्हें, एंड इट इज एन अनऑफिशियल मेथड। ये जो मेथड है इस मेथड का नाम है विनेसर मेथड, आप कॉपी पे लिख सकते हो, इट इज अ विनेसर मेथड। ये ऑफिशियली यहां से वेक्टर आपको नहीं शुरू होता हुआ मिलेगी, ये विनेसर का मेथड है, बिना शुरू किए। अभी हम जो भी मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम टू वेक्टर्स का आपको मेथड बताएंगे, जब दो वेक्टर जोड़, मैं कह रहा हूं दो छोड़ो, मैंने तुम्हें तीन जोड़ने सिखा दिए, तुम तीन छोड़ो, एक और वेक्टर अगर मैं एक्स में ले लेता, अगर एक और वेक्टर एक्स में ले लो, लेट से एक और वेक्टर एक्स में है आपका 20, एक और वेक्टर एक्स में है 20, तो ये इधर 20 एक और होता, इधर आता 22, ये बनता माइनस 22 आई, मेरे ख्याल से समझ रहे हो। अगर एक और वेक्टर एंगल पे होता उसको भी पेल देते, और वेक्टर किसी और क्वाड्रेंट में होता, उस तुम्हारे सामने दुनिया में मैं जितने भी वेक्टर्स दे दूंगा, क्या तुम बेटा इस बात से विश्वास रखते हो कि तुम उनका रिजल्टेंट निकाल लोगे बिना चैप्टर शुरू किए। दैट इज द ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी, ये चैंपियन ये बनना है अपने को, ये बनना है, समझ रहे हो, ये बब्बर शेर ऐसे बनते, बब्बर शेर पुत्र, हमने बुच्चू को नहीं बनना, हमने बुच्चू लाके लगा दिया अपने, दो दो खेल लो पुत्र, ये नहीं करना, बब्बर शेर बनना है, कंपटीशन बब्बर शेर बन के निकलते हैं, ये चुगू बन के नहीं निकलते। हमारे वेदांतों के बच्चे बब्बर शेर हैं, हमारे टीचर बब्बर शेर हैं, हमारा कंटेंट बब्बर शेर है, हमारा रिजल्ट बब्बर शेर है, हमारे बच्चे बब्बर शेर हैं, ठीक है, बब्बर शेर बन के रिजल्ट निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे, जय माता दी चक दे फटे।
ठीक है ठीक है। हमारे अभी वेदांतों के बच्चे जो लाइव देख रहे हैं ना, मैं यहां खड़े होकर खुला चैलेंज मार रहा हूं, आप बेटा पूरी कंट्री में ऑलरेडी 0.1% की कैटेगरी में आ चुके हैं। यू आर ऑलरेडी इनटू दैट 0.1% कैटेगरी। वो हु इज एट दिस स्टेज इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। यस सर, लव यू लव यू लव यू लव यू। ठीक है, जय माता दी जय माता दी। चक दे फटे, ठीक है, मजा आ रहा है ना, नजारे आ रहे हैं ना। ठीक है, बब्बर शेर है जी, बब्बर शेर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो चक दो फटे फिर, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन 3 वेक्टर्स का है, अगला क्वेश्चन 3 वेक्टर्स का है, आपका होमवर्क है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, दिस इज योर होमवर्क, आपको नोट्स में मिलेगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है जी, और अगला जो सवाल है, ये जो मैंने आपको दिया है, ये भी आपका होमवर्क है और आपने मुझे ये बताना है इसका पिछले से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, आपने मुझे बताना है कि ये जो पिछला सवाल मैंने आपको दिया है ना, ऐसे हंसी सी आ रही है, ऐसे अच्छा लग रहा है, इसका इसके साथ क्या रिश्ता है, बस आगे खुद सोचना। ठीक है, डन 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 डन। ये क्वेश्चन अभी करते हैं, ये क्वेश्चन अभी करते हैं, ये वाला। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है जी, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ वापस आ जाओ। ठीक है, ये जो सवाल है ना, इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आने वाला है ना, इस क्वेश्चन के बाद ध्यान से सुनो मेरी बात, वो वेक्टर्स की मार्केट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इससे अच्छा क्वेश्चन दुनिया में वेक्टर का एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना, हाँ। और ये मैं आपको अभी करवा रहा हूं, जो बेस्ट क्वेश्चन मार्केट में एग्जिस्ट करता है वो हम आपको सोचने के लिए देंगे और उसका मैं फाउंडेशन देके जा रहा हूं आपको अभी। ठीक है, फाउंडेशन देके जा रहा हूं। ठीक है, चलो चलो ठीक है, पहले ये देख लो, पहले ये देख लो। ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं ए और ए, थीटा थीटा एंगल पे है ना, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, मेरे ख्याल से बहुत क्लियर कट है यार, इसके अंदर तो कोई टेंशन है ही नहीं है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी ए है, सेम लेंथ है बट डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड ए है। ठीक है ना, और थीटा थीटा एंगल पे है और आपको बोला गया है, आपको बोला गया है इसका एक्स डायरेक्शन, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बताओ। तो मेरे तो बच्चे बब्बर शेर मैंने बनाई दिए हैं, उनको पता है क्या करना है, बब्बर शेरों को, उनको इनका वाई डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट लेना है ना। तो सोचो y डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा है, y डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा है तो y में कितना कंपोनेंट आएगा, a cos थीटा, y में कितना आएगा, a cos थीटा है ना, हमें तो कंपोनेंट आता है ना, और तो कुछ आता ही नहीं है अभी, अपने को तो कुछ आता ही नहीं है, अपने आता ही नहीं है कुछ, है ना। तो a का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा क्या आएगा, a cos थीटा। ठीक है सर जी, इसका x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, a sin थीटा है ना। y में a cos थीटा और x में जो कंपोनेंट आएगा मेरा कितना आएगा, a sin थीटा। डन, जिस डायरेक्शन में, मुद्दे की ऐसे मत सोचना थीटा एक्स में होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में एंगल थीटा है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली साइन थीटा, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि मेरे टमाटर बेचारे परेशान ना हो। ठीक है ना, बस आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अगर इसका वर्टिकल से एंगल थीटा है, अगर इसका वर्टिकल से एंगल थीटा है, तुम्हें अगर ऐसे अच्छा नहीं लगता सर, ये तो आपने हमारे सामने गेम खेल ली, हमें तो आपने हॉरिजॉन्टल से सिखाया था, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तुमने वो उससे कर लो, कोई चक्कर नहीं है। तो इसका एक्स में कितना कंपोनेंट गिरेगा, एक्स में कितना कंपोनेंट गिरेगा, जल्दी बताओ, ए का एक्स में कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एक्स में कितना आएगा, ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे भाई, वो होता है साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। डन है सर, जय माता दी। ये ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें पता, अगर नहीं पता तो पता लग जाएगी, चिंता मत करो। ए का एक्स में कंपोनेंट कितना आएगा, कॉस ऑफ द एंगल, एंगल इज 90 माइनस थीटा और वो होता है साइन थीटा। और ऐसे ही बेटा अगर इसका वाई में देखोगे तो अगर इधर कॉस आया तो इधर आएगा ए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो आप लोग, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अगर इधर कॉस 90 और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो देखो y में cos थीटा ही है, वो डायरेक्ट भी देख सकते थे, y में अगर एंगल थीटा है तो y में cos थीटा आएगा, x में sin थीटा आएगा। ठीक है ना, डन होगी बात। तो बस ये वेक्टर जैसे तोड़ा a cos थीटा और a sin थीटा है ना, ऐसे इस भाई को भी तोड़ लो, ये भी a है, थीटा वर्टिकल में कितना आएगा, a cos थीटा, और ये कितना आएगा, ए साइन थीटा, और सर जी सर जी सर जी साइन थीटा सर जी कट गया, और सर जी क्या बचा, क्या बचा, नेट रिजल्टेंट जो निकल के आया वो आया 2a cos थीटा। इट इज वेरी, ये बल्ब बना देता हूं बेटा यहाँ पे, ये बल्बल है, जगमग कर रहा है, ये क्या है, ये बल्बल है,
बल्ब बल कर, ये बल्ब है, ये जगमग, इसे सोच लो, दिमाग में बिठा लो, ये हम आगे जाके भी इनडायरेक्टली प्रूफ करेंगे, है ना। जब दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के फ्लावर बना रहे हैं थीटा थीटा एंगल पे, तब जब उनका मैग्नीट्यूड होता है, वो रिजल्टेंट जो होता है वो होता है मेरा 2a cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 2a cos थीटा। यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है अपने को। सिंपल सी बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं, रिजल्टेंट कंक्लूजन देखो बस, ये दिमाग में रख लो, ये तुम्हें काम आने वाला है। एक वेक्टर जिसकी लेंथ a है, एक वेक्टर जिसकी लेंथ भी a है, दोनों का वर्टिकल से एंगल अगर थीटा थीटा है, और अगर ये दोनों है तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे होता है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 2a into cos theta, 2a into cos theta, theta ये वर्टिकल से एंगल है, theta ये वर्टिकल से एंगल है। डन डन, चक दे फटे, चक दे फटे, ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। अब दिल थाम के सुनना, इस कंट्री का, इस चैप्टर का बेस्ट प्रॉब्लम जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, वेदांतु पे आपको मिलेगा, खुला चैलेंज है। कहीं पे भी तुम्हें दिख जाए ये क्वेश्चन वेक्टर्स में, इस स्टेज में किसी बच्चे को कराया गया हो, आके मुझे बता देना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सुपर क्वालिटी है, ठीक है, और तुम्हें आता है, ये भी बता देता हूं, तुम्हें आता है, बस तुम्हें मौका मिलेगा करने का। एक्सप्रेशन फॉर, ध्यान से, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे If I cap and n cap represents unit vector along incident light and normal, ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन है। एक मिरर है, सबने सुना है, इस मिरर के जो परपेंडिकुलर होता है सर, वो होता है नॉर्मल, सबने सुना है, होता है नॉर्मल, सबने सुना है, सुना है सर। एक लाइट सर आती है, हा 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 हा, सबने सुना है, इंसिडेंट रे सर होती है, टक्कर मार के सर चली जाती है, सबने सुने, टकरा के जाने वाली लाइट जो होती है वो होती है सर रिफ्लेक्टेड रे, सबने सुना है, और सबने ये भी सुना है कि इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है आई, वही एंगल इसका रिफ्लेक्टेड रे के साथ होता है, उसे भी आई कह लो या उसे एंगल आर कह लो, आई आर के बराबर होता है, सबने सुना है ना, है ना, सुने। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे भाई ये बताना है कि यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाने वाला ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ वन हो, उस वेक्टर को बेटा हम बोलते हैं यू कैप, इसे यू कैप कह लो या आई कैप कह लो, मैं आई कैप नहीं, मैं इसको यू कैप कर देता हूं, क्योंकि आई हमारा पुराना बचपन का खिलाड़ी है, एक्स डायरेक्शन वाला आई कैप होता है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो एक वेक्टर जिसका लेंथ वन हो, उसको कहते हैं यू कैप, यू कैप, है ना। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ये रोडोव का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बड़ा प्यारा सवाल है वेक्टर्स का। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ वन हो, और उस वेक्टर को हम बोलते हैं एन कैप, क्या बोलते हैं, एन कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज यू कैप। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ वन हो और नॉर्मल के लॉन्ग हो, दैट इज कॉल्ड एज एन कैप। तुम्हें ये दोनों गिवन है, लिख देता हूं मैं, यू कैप एंड एन कैप जो हैं मेरे भाई, ये मेरे भाई आपको गिवन है। तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है यूनिट वेक्टर रिफ्लेक्टेड लाइट के अलॉन्ग। आर कैप क्या होगा, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ यू कैप एंड एन कैप, ये बताना है तुम्हें, ठीक है, ये बताना है, और ये तुम्हारा होमवर्क है। ये जब हम डीपीपी डिस्कशन करेंगे ना, ये सवाल मैं उठाऊंगा, पहला सवाल यही होगा, आज ही प्रॉमिस कर रहा हूं, सोच लो आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है माइंड डेवलपमेंट के लिए, ये सवाल विनय सर ने क्यों दिया है, क्योंकि हमारे वेदांतु के बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड भी निकालेंगे, फिजिक्स ओलंपियाड भी निकालेंगे, ये एडवांस भी निकाल लेंगे, ये केवीपीवाई भी निकाल लेंगे, ये देश को आगे लेके जाएंगे, ये लाइफ में चैंपियन बनेंगे। सिर्फ हमने चुगुनी बब्बर शेर बनाने हैं, हमारे बच्चे हर पेपर में अच्छा करके आए, क्या बनाने हैं हमारे बच्चे, बब्बर शेर, ठीक है। यस सर, ठीक है, आर्यन कह रहा है निकल गया, मेरी ईमेल आईडी है vinay.shur@vedantu.com, किसी को अगर लिखना, अगर मेरे को रिप्लाई भी करना चाहो तो मुझे आप आंसर भेज सकते हो, vinay.shur@vedantu.com। बेटा ज्यादा मत भेजना, देखो मैं बिजी आदमी हूं, ठीक है,
हाँ, जिसका जेन्युइन नहीं लगे तो मुझे अपनी मेरी ईमेल आईडी पे भी भेज सकता है, vinay.sood@vedantapura.com, भेज देना, कोई टेंशन नहीं है, मैं चेक करके रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। और बताओ, और बताओ, थैंक यू भी बोल दो साथ में मुझे, ठीक है। चलो, ये आपका होमवर्क है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम नाउ, एंड नाउ लेट्स मूव अहेड। यस बेटा, चेक दे बटे बेटा, एक बार जरा चैट बॉक्स एक बार हिला दो, जरा फटाफट चैट बॉक्स हिला दो, मजा आ रहा है ना, जल्दी बता दो, फील आ रही है, लग रहा है ना तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है बड़े हो गए, लग रहा है 11th में आगे, फील आ रही है ना, वैसे भी पावर और पंच फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, जल्दी बताओ, लग रहा है ना, मतलब वो जान जैसे मुझे फील हो रही है तुम्हें भी दिखनी चाहिए। बल्ले बल्ले, शाबाश, अरे शाबाश शेरा, शाबाश शाबाश शाबाश, जीवन दे रहो, बस दे रहो, शाबाश, चाक दो फटे। हाँ बड़ा, देखो अंदर का ना पंजाबी धीरे धीरे जागता है, ठीक है ना, हाँ बहुत जरूरी है वो यार, बहुत जरूरी है। चलो हाँ ठीक है, चलो बीच में अगर आपका दिल करे ना, सर बहुत सीरियसली होकर पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। आप लोगों ने पता क्या करना है, बर्गर पैटी भेज दिया करो चैट बॉक्स में, इसमें ऑप्शन होती है बर्गर पैटी की, ठीक है, उसमें बर्गर डाल दो, पैटी डाल दो, उसमें डाल दिया करो, विनय सर का भी एकदम से ध्यान, सब भूल जाएंगे क्या चल रहा है, वो सबसे प्रायोरिटी बन जाती है लाइफ की। बेटा मेरा लाइफ का रूल है, एक बार हुआ था मेरी वाइफ के साथ मेरी लड़ाई होगी, मैं खाना खा रहा था, वो गुस्से में चले गए, मेरे हाथ में बर्गर था, मैंने कहा मैं बर्गर संभालूं, मैं वाइफ को संभालूं, मैंने कहा वाइफ तो आती जाती रहेगी, कोई बात नहीं, बर्गर कभी कभी मिलता बेटा, मैंने बर्गर पे ध्यान दिया, ठीक है। और हमारे अरविंद सर भी भाई बड़े खाने के शौकीन है, उनको भी बिगाड़ा हुआ हमने पूरा। यस सर, यस सर, एक और हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं भाटिया साहब, सब ने उन्होंने सबको बिगाड़ा है, यस। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, अरे यही तो नजारे है जिंदगी की, और क्या, यही तो नजारे और क्या, यही नजारे। चलो भाई, चलो 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 चलो, करें शुरू, करें करें दोबारा, चलो भाई आजो 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 आजो, चक दे फटे में, चक दे। तो भाई आपके सामने क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, आओ आओ आज वापस आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस बर्गर पैटी से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मुझे हल्का सा स्टेट्स बताओ यार, किन किन स्टेट से तुम लोग देख रहे हो, कहाँ कहाँ से आए हो, जरा एक बार थोड़ा सा मुझे अपनी स्टेट्स भी बताओ, मैं थोड़ा सा ऐसे ही देख लूंगी इंडिया का कौन कौन सा कोना है जो इस वक्त एक्टिव है और विनय सर को सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ से आए हो, जल्दी बोल दो एक बार, फटाफट फटाफट फटाफट। तो क्या बात है, पंजाब हुए हो, दिल लुट लिया पुत्र, वेरी गुड वेरी गुड, महाराष्ट्र, आंध्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, तेलंगाना, मेघालय भी आया था, यूपी, दिल्ली, गुजरात, ओए होए क्या बात है पुत्र, ओ भाई क्या बात है पुत्र, शाबाश शाबाश, पूरा इंडिया पढ़ रहा है, क्या ये चाहिए भाई, ये चाहिए, बस ये जज्बा चाहिए अपने को, पूरा इंडिया पढ़ रहा है, और यही है इंडिया पढ़ेगा, इंडिया को पढ़ाने के लिए आए अब, है ना, हाँ मिशन बहुत बड़ा हो गया, अब निकाल लिए रैंक वन, हो गए फिजिक्स ओलंपियाड, अब इंडिया को आगे निकालना है, ठीक है ना, दो चार बच्चे हो गए अब जो निकालने थे, अब जीवन में हम भी आगे बढ़ गए, तुम भी साथ बढ़ो हमारे, हमारे भी मिशन बदल गए बेटा, पहले हमारे मिशन थे कि भैया हमें रैंक वन निकालना है, निकल गया, अब होगी पुरानी बातें, अब इंडिया को आगे निकालना है, इंडिया को वन पे लेके आना है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, वेरी गुड पुत्र, शाबाश, लव यू दोस्तों, लव यू, है ना, हाँ मोहित सर तो वैसे ही आपके दोस्त हैं ना, दोस्त बोलते हैं बहुत बढ़िया, हाँ लव यू, क्या बात है क्या बात है, अभी पंजाब से हरियाणा मतलब स्कॉर्पियो भी आई है बीच में, वेरी गुड पुत्र, आ जाओ भी आ जाओ, चलो फटा वापस आ जाओ बच्चों, पैरेलल वेक्टर्स, बस 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 बस, समझ गए, लव यू लव यू लव यू गाइस, चलो आ जाओ, वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ी कॉमन सी बात है यार, कुछ जो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में जाते हैं उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, वेक्टर्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड एज दी पैरेलल वेक्टर्स, है ना, तो आपको दिख रहा होगा ये एक वेक्टर है, एक और वेक्टर है बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे दे आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स, है ना, डायरेक्शन सेम है, इस बात को बच्चों आप दिमाग में रखना कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होते, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, डायरेक्शन सेम है। अब सवाल ये आता है कि अगर सेम डायरेक्शन है तो क्या इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कैसे, विनय सर बताएंगे, तुम्हें को लोड लेना है, सुनो तुम आराम से, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक छोटू वेक्टर ले लो जिसकी लेंथ वन हो और उस वेक्टर को क्या कहा जाएगा सर, ए कैप कहा जाएगा, है ना, इसी तरह बी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर तुम लेंथ वन वाला वेक्टर ले लो तो उसे क्या कहा जाएगा सर, उसे बी कैप कहा जाएगा, उसे बी कैप कहा जाएगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में छोटू वेक्टर ए कैप, बी वेक्टर की डायरेक्शन में छोटू वेक्टर बी कैप, ये दो वेक्टर अगर हम देखें तो डायरेक्शन तो पहले से ही सेम थी क्योंकि पैरेलल थे, मैग्नीट्यूड हमने इक्वल कर दिया वन और वन,
तो सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड पुत्र, ए कैप इक्वल टू बी कैप। तो बच्चों याद रखना, पैरेलल वेक्टर्स को मैथमेटिकली, ये बुक्स में लिखा नहीं होता, ये बुक्स में लिखा नहीं होता, सवालों में बहुत काम आता है, पैरेलल वेक्टर्स को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके यूनिट वेक्टर्स को इक्वल करके, ए कैप इक्वल टू बी कैप। चक दे फटे, आ रहे समझ में? यस सर, यस सर, यस सर, डन। सो वेक्टर्स हैविंग सेम यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड एज द पैरेलल वेक्टर्स, डन। अब इसी के साथ अगला तुम्हें पता है क्या आने वाला है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो, कॉमन सेंस है। तो ए वेक्टर तुम्हारे पास है, बी वेक्टर तुम्हारे पास है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो मेरे भाई ए वेक्टर की डायरेक्शन में छोटू वेक्टर जो होगा उसको कहा जाएगा ए कैप, उसे कहा जाएगा ए कैप, और बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो छोटू वेक्टर होगा जिसकी लेंथ वन होगी उसे कहा जाएगा मेरे भाई बी कैप। ए वेक्टर की डायरेक्शन में छोटू वेक्टर होगा ए कैप, बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो छोटू वेक्टर होगा वो होगा बी कैप। बेटा सोच के बताओ, अगर ये मेरा भाई आई कैप होता है तो वही वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस आई कैप ना। अगर ऊपर जे कैप है, ऊपर जे कैप है तो समझ रहे हो नीचे क्या होता है, माइनस जे कैप ना, लॉजिकल है ना। तो अगर ये अगर ए कैप है समझ रहे हो, तो ये जो उल्टी डायरेक्शन में वेक्टर आ रहा है, तो समझ रहे हो ना, अगर मेरे वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर्स जो होंगे वो नेगेटिव होगा। तो अगर ये आई कैप है दूसरा माइनस आई कैप होगा, अगर ये जे कैप है तो दूसरा माइनस जे कैप होगा, समझ रहे हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। चक दे फटे, चैट में लिख दे, चैट में रोला पै जाए एकदम पुत्र, जरा एकदम चक दे फटे, है ना। यस सर फटाफट बताओ, जय माता दी, आ रहे समझ में, आ रहे, जय माता दी, ठीक है जी, डन। तो पैरेलल वेक्टर्स जिनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिनके यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। अब आती है बात इक्वल वेक्टर्स की, ये तो मेरे ख्याल से पूरा भारत जानता है, ये ऐसे वेक्टर होंगे जिनके मॉड भी इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ही और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। अब सेम डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो, इसी की डायरेक्शन में जो छोटू वेक्टर होगा दैट इज ए कैप, इसी की डायरेक्शन में जो छोटू वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड एज बी कैप, इसी की डायरेक्शन में जो छोटू वेक्टर होगा दैट इज सी कैप। यानी कि आई कैन राइट ए कैप इक्वल टू बी कैप इक्वल टू सी कैप। तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। और बेटा अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो इसका मतलब ये है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों हमारे इक्वल हैं। और यार ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के बराबर कर रहा हूं तो मतलब ये एक चीज इक्वल नहीं, ये दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी इक्वल है। चक दे फटे, चैट पे लिखना, यहां पे चक दे फटे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताओ आ रहा है समझ में? यस सर जल्दी बताओ आ रहा है समझ में, ठीक है। और एक अब और जादू की बात आने वाली है, एक और जादू की बात, जय माता दी। अब सुन लो ध्यान से, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। हेंस वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। वेक्टर ए था, अगर तुम इसे पैरेलली शिफ्ट कर दो तो ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन, फिर पैरेलली शिफ्ट कर दो ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज हुई। तो मतलब पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, आई कैन शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ। यू कैन ऑल्सो से कि अगर मतलब सोच के देखो, ये एक वेक्टर आई कैप है, सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है ये, आप पैरेलली आगे ले दो ये भी आई कैप है, आप पैरेलली नीचे ले जाओ ये भी आई कैप है, आप पीछे ले आओ ये भी आई कैप है। तो कोई भी वेक्टर जो दुनिया में है समझ रहे हो, आप उसको पैरेलली शिफ्ट करोगे, हाँ तुमने रोटेट नहीं कर सकते, तुमने अगर इस वेक्टर को रोटेट कर दिया तो मतलब डायरेक्शन बदल गई, तुम पैरेलल शिफ्टिंग एक वेक्टर की ही कर सकते हो। फाड़ू कॉन्सेप्ट दिया है, चक दे फटे, चैट पे लिख दे, चक दे फटे बेटा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको प्रोवाइड किया है, सुपर ऑसम कॉन्सेप्ट, ठीक है, डन डन, ठीक है जी। पैरेलल वेक्टर्स हो गए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। अब बेटा बात आती है हमारी नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना, ये तो वैसे ही बहुत सिंपल है, जिनका
समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये ए वेक्टर, तो दूसरा जो वेक्टर होगा वो माइनस, अगर ए वेक्टर ऐसे है तो माइनस ए वेक्टर, कॉमन सेंस है ना, इसमें तो मुझे कुछ बताने वाली बात नहीं है। वेक्टर्स नेगेटिव कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। चक दे, अरे क्या बात है, अभी क्या बात है, टमाटरों बर्गर पैटी भेज रहे हो, शाबाश, गुल्लू गुल्लू गुल्लू, प्यारे प्यारे गोल गोल टमाटर भेज रहे हैं, शाबाश पुत्र, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी, ठीक है जी, ओके जी। अब अगला वेक्टर बेटा हमारा आता है, बस अब हो गया, हमारा जहाज उड़ चुका है, बहुत बढ़िया, दैट इज अ जीरो वेक्टर। एंड व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय अ जीरो वेक्टर, इट इज अ वेक्टर, ये वो वेक्टर है जिसका हमारा मैग्नीट्यूड जीरो है एंड इट हैज अ रैंडम डायरेक्शन, है ना। तो इट इज अ वेक्टर विद अ जीरो मैग्नीट्यूड एंड एनी आर्बिट्रेरी। अब देखो, अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड ही जीरो है मतलब वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, है ना, मतलब इसको क्या बोल सकते हो। अब जीरो का मतलब क्या, समझ रहे हो, मतलब इसको कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, सर ये टेल होती है, ये हेड होती है ना, अब तुम्हें जीरो मैग्नीट्यूड करना है तो कैसे करोगे, इनको कोइंसाइड करा दो। तो जब हेड को उठा के वेक्टर को श्रिंक करो, छोटा करो, तो जब हेड और टेल दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, समझ रहे हो, तो जो लेंथ होगी वो जीरो वेक्टर होगी, तो उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, मतलब ये दुनिया में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इसका फायदा ये है कि अगर मान लो मैंने किसी एक वेक्टर में वही वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया, एक वेक्टर में से वही वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया a माइनस a, तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। वही बात होगी ना, i कैप में माइनस i कैप कर दिया, i कैप में माइनस, तो जीरो ही आएगा आंसर, है ना, कुछ बनेगा तो है नहीं। अब सीधी बात है, वेक्टर से वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या होगा, वेक्टर ही होगा ना। तो जस्ट टू मेंटेन द होमोजेनिटी, मतलब होमोजेनिटी मेंटेन रहे कि भैया राइट टाइप, अगर इधर गधे थे तो इधर भी गधे रहे, इधर घोड़े थे तो इधर भी घोड़े रहे, इधर वेक्टर था तो इधर भी वेक्टर है, बस होमोजेनिटी को मेंटेन करने के लिए आप इस वेक्टर को यूज करते हो, बाकी इसका कोई काम नहीं, ठीक है ना। हाँ, लोड नहीं लेना, बोझ नहीं डालना, ठीक है, चक दे फटे, डा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गए। अगला सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना ये वाला, दिस इज वन ऑफ द रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर और है हमारा बी वेक्टर, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो सर सॉरी, ये तो सिंपल ही है, इसमें क्या है, हाँ ये तो पैरेलल है, हाँ, तो मतलब सीधी बात, अगर पैरेलल ही शिफ्ट करोगे तो मतलब जो ए वेक्टर होगा वो बी वेक्टर के बराबर होगा, देखो ना थीटा एंगल, तो पैरेलल ही खिसका के लेके गए हो, तो मतलब जो होगा ये तो ठीक है, तो बता दिया तुम्हें, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब ध्यान से सुनना, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का एंगल क्या होता है, इट इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स हैं उनका जो स्मॉलर एंगल होगा व्हेन दे आर जॉइंड टेल टू टेल और हेड टू हेड, जब दो वेक्टर्स टेल टू टेल ज्वाइन हो या हेड टू हेड ज्वाइन हो, तब जो छोटा एंगल होगा वो वेक्टर होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास एक एक वेक्टर है, सुनो, एक ये मेरा वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर पड़ा है, दूसरा वेक्टर बेटा यहां पड़ा है, ये बी वेक्टर है ना। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मुझे क्या करना है, मुझे एंगल निकालना है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा, करो इसे पैरेलली शिफ्ट जरा, तो अगर आप इसे पैरेलली स्लाइड करो, इसी लाइन के पैरेलली सोच के देखो, इसको पकड़ के पैरेलली खिसका के यहां लगा दो, तो जब तुमने इसको यहां लगा दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब तुमने इसे यहां पर लगा दिया, तो अगर ये टेल टू टेल जुड़े हैं, तो एक छोटा एंगल बनेगा, एक बड़ा एंगल बनेगा, तो टेल टू टेल जोड़ लो, बड़े वाला छोड़ दो, जो छोटा एंगल होगा वो होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। सो इट इज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल और हेड टू हेड। चक दे फटे, यस सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, टेल टू टेल हो गया, हेड टू हेड भी कर लो, इसी बी वेक्टर को और पैरेलल शिफ्ट कर लो यार, कौन से पैसे लग रहे हैं, पकड़ो इसको, खिसकाओ जरा इसको ऐसे करके जरा, है ना, इसको खिसका दो, बी वेक्टर यहां आ गया, एक ये वाला एंगल बना, एक बड़े वाला एंगल बना, बड़े वाला छोड़ देना है, छोटे वाला ले लेना है, और वैसे सोचो अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये और ये तो अल्टरनेटिव हुए, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज ऑलवेज द स्मॉलर एंगल व्हेन दे आर जॉइंड। हाँ अच्छा, अब ये बताओ जरा, अगर कोई ये बोले कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स, मुझे चैट में लिख के आंसर चाहिए जरा, अभी के अभी, इज इट ट्रू और फॉल्स। हाँ, समझा रहा हूं, विशिष्ट, चिंता मत करो, अभी एग्जांपल भी लेने वाला हूं, पूरा समझ में आ जाएगा, तो लोड मत ले, दैट इज फॉल्स, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये तो गुनाह किया है, क्यों, क्योंकि भैया इसका हेड इसकी टेल से जोड़ दिया,
हेड को टेल से जोड़ दोगे और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें एंगल मिल जाएगा ना, ये एंगल है ना ये एंगल है, दोनों ही नहीं है, दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि टेल हेड से जुड़ी है। तो क्या करोगे आप, बी को पैरेलली शिफ्ट करो, पैरेलली शिफ्ट करो, बी को यहां लेके आओ, टेल से टेल जोड़ो, छोटे वाला जो एंगल होगा वो होगा मेरा एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। चक दे फटे बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब तीन क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद एक सवाल बड़ा अच्छा आने वाला है, वो हम मिलकर करेंगे, ठीक है। हाँ, अगला सवाल इसके बाद बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो हम सब मिलकर करने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ नजारे दिलाते हैं आपको, नजारे दिलाते हैं। आ जाओ, आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, ए बी सी, दे आर शोन इन फिगर। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ठीक है ना। तीनों का अलग अलग एंगल है। आपसे पूछा गया फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, इन दोनों का एंगल निकालना है, ठीक है। इन दोनों का एंगल निकालना है, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां अलग से एक्स और वाई बना लेता हूं। ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं सर, कर दो यार, कर दो। एक्स के साथ एंगल क्या है, 30 डिग्री, कर दिया सर। सर बी को भी ना पैरेलली खिसकाते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर बी को मैं ऑब्जर्व करूं, अगर मैं इसे पैरेलली खिसकाऊं और पैरेलली खिसका के टेल को टेल से जोड़ूं, तो बी यहां जाएगा। बी को अगर पैरेलली खिसकाऊं और टेल के साथ टेल जोड़ूं, तो बी यहां जाएगा। और बी का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा, वो एंगल कितना होगा मेरे भाई, वो भाई मेरा एंगल होगा कितना, 30 डिग्री। सो मेरे ख्याल से अरे भाई ये 30 और 30 समझ रहे हो, ये पूरा एंगल कितना आ गया थीटा। ए और बी में जो एंगल हुआ वो हुआ 60 डिग्री। ए और बी में जो एंगल हुआ वो हुआ 60। छोटे वाला लेना है, 120 नहीं लेना। ये फिर कोई बेवकूफियां कर रहे हो, ये नहीं लेना। नो, दिस इज इनकरेक्ट। तो जो छोटे वाला एंगल होगा अंदर वाला, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। करेक्ट बात सर, आ रहा है समझ में सर, बढ़िया आ रहा है सर, मस्त पढ़ाते हो यार आप, है ना। अच्छा आगे आ जाओ आप, जरा ये देखो, जरा आप सी को पकड़ लो, है ना। तुम लोग बोलो ना बोलो, मैं खुद को ही पंप देता रहूंगा। यही जिंदगी उत्तर हो गया। इसी तरह बेहतर बी और सी में अगर एंगल निकालना है ना, बी और सी में मुझे एंगल निकालना है, तो मुझे बताओ क्या एंगल होगा, कैसे करेंगे। आओ इकट्ठे करते हैं अपन, इकट्ठे करते हैं, है ना। अभी देखो ये सी पड़ा है ना, सी पड़ा है, और बी का देखो, अभी बी को अगर पैरेलली शिफ्ट किया, अभी शिफ्ट किया, देखो यहां किया ना ये वाला, तो बी का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आया था, 30 डिग्री। तो देखो ये दोनों की टेल जुड़ गई, ठीक है। और ये वाला जो एंगल आया ये कितना आया, 15 डिग्री। तो मेरे ख्याल से थीटा बी सी इज 15 डिग्री, थीटा बी सी इज 15 डिग्री, ठीक है जी। यस सर। और थीटा ए सी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बनाओगे, कमेंट सेक्शन में मेरे टमाटर लिख के बताएंगे, ठीक है ना। ए और सी का जो एंगल होगा वो मेरे टमाटर प्यारे प्यारे से, है ना, लिख के बताएंगे, ठीक है। इसमें वाई नहीं है, कोई पूछ रहा है सर वाई स्मॉल एंगल, वाई नहीं है, इट इज एन इंफॉर्मेशन, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, इट इज एन इंफॉर्मेशन विच आई एम गिविंग, यू हैव टू डाइजेस्ट इट, हजम हो लो, आगे से सवाल नहीं पूछना, हजम कर लो बस उसको, सीधा डन, ठीक है। चक दे फटे, ठीक है जी। चलो बच्चों ने आंसर दे ही दिया चैट पे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बट ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना, मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, सही लिख रहे हो, कोई चक्कर नहीं। ये सवाल करो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। देखो यार, मैं सारे ना मार्केट में जितने भी क्वेश्चन है अपने को सब पता है कौन कहां पड़ा हुआ है, बेस्ट प्रॉब्लम उठा के आपके सामने लेके आऊ, जिससे माइंड डेवलप होगा, ठीक है ना, जिसमें वो चैंपियन वाली फील आएगी, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एंगल बिटवीन ऑल वेक्टर्स। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। आप उसमें ट्राइंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। आपको इनके बीच का एंगल निकालना है, एंगल कितना है मुझे बताओ, कितना है। यस, आई वॉन्ट एन आंसर, कितना एंगल है मेरे भाई। यस यस यस, अब चमक रही है बात, है ना। तो 90 मत बोल देना, ये देख के 90 मत बोलना। ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, बी की टेल पड़ी है यहां पे, ए के हेड पे बी की टेल है, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। तो बी को पैरेलली शिफ्ट करो, पैरेलली शिफ्ट करके टेल से टेल जोड़ दो, और ये जो एंगल होगा मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, है ना, ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, दिख रहा है ना आपको। इस बी को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूं यहां पे, दिख रहा होगा, तो वो जो एंगल आपको मिलेगा ए और बी के बीच में वो मिलेगा 90 डिग्री, ठीक है जी। यस सर, यस सर। अच्छा अब सी को देखो जरा, सी किधर जा रहा है मेरा भाई, सी किधर जा रहा है,
ध्यान से देखो जरा, सी किधर जा रहा है ना, एंगल निकालना है, मिलके निकाल लेंगे। सी जा रहा है सर इस डायरेक्शन में, इधर जा रहा है ना सी, तो अगर पैरेलली शिफ्ट कर दो जरा इसे, सोचो तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल आएगा, ये एंगल इक्वली तो होगा। तो सी को, मतलब समझ रहे हो, सी को अगर मेरे भाई हमने पैरेलली शिफ्ट किया तो सी का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आएगा वो आएगा मेरा कितना मेरे भाई, 45 डिग्री। ठीक है जी, तो बस बेटा चक दे फटे, बेटा गेम्स खत्म होगी। ए और बी का एंगल दिख गया, थीटा ए बी इज 90 डिग्री। इसमें बहुत बच्चे आंसर गलत दे देते हैं। अब बी और सी देखो, इस अरेंजमेंट का फायदा क्या है, इसमें सारे वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हैं, सारे टेल टू टेल जुड़े हैं, तो फटाफट आपको आंसर दिख जाएंगे, है ना। तो बी और सी का जो एंगल निकल के आएगा, बी और सी, हाँ तो ये देखो ये 45 है, तो ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री। थीटा बी सी इज 135 और सी टू ए, ये भी आपको दिख रहा होगा अब आपको, थीटा सी ए इज ऑल्सो 135 डिग्री। ओ बेटा आ रहा है समझ में, देखो सीधी बात है बेटा, अगर अगर मेरे फिजिक्स पढ़ाने से बच्चों के नंबर ना आए तो बच्चों की गलती हो सकती है ना, हो सकती है बच्चे ने पढ़ाई ना की हो। अगर मेरे पढ़ाने से तुम्हें फीलिंग नहीं आ रही ना, फिर मेरी गलती है, तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो मेरी गलती है। तो मैं ये क्लियर ये बात बता रहा हूं, है ना। फिजिक्स तो सब्जेक्ट ही ऐसा है, जे मजा नहीं आया ना क्लास में, फिर तो मतलब मेरी गलती है, फिर तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम बेचारे गुल्लू मुल्लू, तुम्हारा यू आर इनोसेंट पीपल। तो मुझे बताओ मेरी गलती है क्या नहीं है, जल्दी बताओ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना सबको। कोई बच्चा लिख रहा है सर मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे भाई मुझे पता है, आई आई टीच इज गुड, आई नो। समझ में आ रहा है ना, तुम लोगों के मजाक कर रहे हो यार, मुझे मोटिवेट कर रहे हो यार। नहीं सर वो बढ़िया, अरे आई नो आई टीच इज गुड, आई नो दैट, यू शुड ऑल्सो नो दैट, ठीक है ना। यस सर, चक दे फटे, क्या बात है। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है जी, डन जी, डन 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 डन। ठीक है, अगला सवाल आता है जी, देखो ये क्वेश्चन मेरा बड़ा प्यारा सवाल है, दिस आई लव दिस प्रॉब्लम। ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 28 यूनिट्स, ठीक है, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 28 यूनिट एंड इट इज पैरेलल टू, इसको ध्यान से सुनना, 6i कैप + 3j कैप + 2k कैप, ठीक है ना। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 28 है, बड़ा अच्छा सवाल है, एक वेक्टर कुछ होगा लेकिन हमें उसका लेंथ गिवन है कितना, 28, ठीक है। इट इज पैरेलल टू, ये पैरेलल है किसी और वेक्टर के, ध्यान से सुनो जरा इस बात को, ये पैरेलल है किसी और वेक्टर के, और वो जो वेक्टर है वो किसके बराबर है, दैट इज 6i कैप + 3j कैप + 2k कैप, वो उसके पैरेलल है ना। इट इज पैरेलल टू दैट वेक्टर, करेक्ट बात है सर, बिल्कुल सही बात है ना। यस सर, आ रहा है समझ में, बिल्कुल आ रहा है। तो एक वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, आपसे पूछा गया वेक्टर कौन है। वेक्टर कौन है, ये तो बेटा पजल होगी, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 28 है, इस वेक्टर के पैरेलल है, आपसे पूछा गया वेक्टर कौन है। तो कैसे पता लगता है, मुझे एक बात बताओ कैसे पता लगेगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, मॉड ए पता है ना, मॉड ए पता है। अगर ए कैप मिल जाए जो कि होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, अगर ए कैप मिल जाए, है ना, ये अगर मैं दे दूं, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये अगर ढूंढ लूं, ये मुझे पता है, तो ये मिल जाएगा ना यार, ये मिल जाएगा ना, है ना, फील आ रही है। तो बस खत्म होगी बात बेटा, इसको ले जाओ उधर। तो वेक्टर को आप अगर रिप्रेजेंट करो मेरे भाई, ये किसके बराबर आ रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। ए वेक्टर किसके बराबर है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। मॉड तो सर पता है, मॉड की कोई टेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन में दे दिया। आप इसके आगे की बात बताओ, आप इसके आगे की बात बताओ, ए कैप क्या है, तो कौन बताएगा। यस यस, ये चाहिए, वेरी गुड वरदा जोशी, बहुत बढ़िया पुत्र, लव यू, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया। अगर ये वेक्टर पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल हैं भाइयों और बहनों, समझ रहे हो ना मैं कैसे बोल रहा हूं, है ना। तो जे अगर ये तो बेटा मैंने कलर ही बड़ा बेकार यूज कर लिया, अगर ये पैरेलल हैं तो इनके यूनिट वेक्टर्स जो होंगे, अब तुम समझ रहे हो, अब तुम बेटा उस लेवल पे सोच रहे हो जिस लेवल पे मैं चाहता हूं अपने वेदांतों के बच्चे चले। अगर ये पैरेलल हैं तो इनके यूनिट वेक्टर्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, तो ए कैप इक्वल टू बी कैप, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर्स इक्वल होंगे, बी वेक्टर तुम्हारे पास पता है, तो बी कैप क्या होगा, बी कैप क्या होगा, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, होगी खत्म। तो बी वेक्टर क्या है, 6i कैप + 3j कैप + 2k कैप अपॉन उसका मॉड, और अगर आप इसका मॉड लोगे ना, ये सारा मॉड जब निकालोगे आप, ये 7 आ जाएगा, देखना आप, ये करना जरा, 36 √36 + 3,
का स्क्वायर 9, 45, 45 प्लस 2 का स्क्वायर 49, तो रूट 49 अगर आप करोगे तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 7, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से बच्चों मैंने आपको यहाँ पे काफी आराम से बता दिया, ये देखो 7 से यहाँ ये कट गया, आगे आप मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 24, आगे कर ही लोगे यार, है ना, 24 आई कैप प्लस 12 जे कैप, है ना, प्लस 4 टू द 8 के कैप, प्लस 8 के कैप, है ना। यस सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो यार अगर मजा आ रहा है तो सेशन अभी तक मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे हैं बट लाइक नहीं किया तुम लोगों ने, फिर फटाफट लाइक करो। आजकल का डिजिटल वे जो है गुरु दक्षिणा का वो यही है, आप अपने टीचर को लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि अगर अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई टेंशन नहीं है यार, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, अच्छा लगे तो इसे और भी बच्चों तक पहुंचाओ, हमारी मदद करो हम और बच्चों तक पहुंच सकें और उन बच्चों की मदद होगी, है ना। यस सर, यूट्यूब पे बहुत नॉइस है तो अगर कुछ अच्छा दिखे तो उसको जरूर बताओ। डन, यस 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 VLOP, ये हुई ना बात, शाबाश मेरे बब्बर शेरों, शाबाश मेरे, लाइक करो पहले फटाफट अभी के अभी, हाँ मैं देख रहा हूँ तुमने किया नहीं अभी तक। यस सर, चलो गाइस, चलो चलो, सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल, ठीक है जी। अच्छा जी गाइस, नाउ 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 द लास्ट क्वेश्चन यू कैन से ऑफ टुडे सेशन, और आज के बाद हम इस, आज के बाद नहीं मतलब आज का सेशन अपन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ, इस क्वालिटी कॉन्सेप्ट के साथ आज हम अपने सेशन को एंड करेंगे। तो ध्यान से सुनना, बहुत सुपर ऑसम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जो डिस्कस करने वाला हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक वेक्टर को मैंने एक्स वाई जेड के साथ इक्वली इंक्लाइन किया, फाइंड द एंगल विच इट मेक्स विद एनी एक्सिस, ठीक है ना, किसी और एक्सिस के साथ जो उसका एंगल है वो आपको बताना है, इंक्लाइंड इक्वली है, तो मेरे ख्याल से शायद तुम अब समझ रहे हो कि मैं कहां जाना चाह रहा हूं। तो जहां से दुनिया गोल है, जहां से आज का लेक्चर शुरू हुआ, हम घूमकर फिर वहीं वापस आ रहे हैं और हम वेक्टर्स के सिमेट्री को ऑब्जर्व करने वाले हैं। एक वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, सोचो एक्स वाई जेड, मतलब 3D में जरा फील करो, 3D में फील करो, एक वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है एक्स वाई जेड के साथ और आपको उसका एंगल निकालना है कि एक्स के साथ और वाई के साथ क्या एंगल है। बच्चों अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो, क्वेश्चन एक तरफ, क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं, फॉर बेटर क्लैरिटी इफ आई ड्रॉ अ क्यूब, फॉर अ बेटर क्लैरिटी इफ आई ड्रॉ अ क्यूब, यू गाइस कैन सी कि यार यहां से जो वेक्टर बनेगा ना, सेंटर से वेक्टर के कोने तक जाता हुआ ये जो वेक्टर होता है, इस वेक्टर को हम बोलते हैं ए वेक्टर, है ना, इस वेक्टर को हम बोलते हैं ए वेक्टर। इस वेक्टर का अगर एक्स के साथ, 3D में सोचो जरा मेरी बात को, जरा आराम से जुड़े रहना आप सेशन में, नहीं तो मैंने थप्पड़ मार देना कोई भागा तो। एक्स के साथ अगर एंगल अल्फा है, सुनो, एक्स के साथ इस वेक्टर का 3D में एक्स के साथ अगर एंगल अल्फा है तो मेरे भाई, और वाई के साथ एंगल अगर बीटा है, सोचते जाओ 3D में ये अलग अलग प्लेन्स में है, और जेड के साथ अगर एंगल गामा है, सोचो जरा ये एक वेक्टर 3D में है, एक्स के साथ एंगल अल्फा है, वाई के साथ एंगल बीटा है, जेड के साथ अगर एंगल आपका गामा है, डोंट वरी डायग्राम आ गया, मैं और बढ़िया दिखा देता हूं, सब दिख जाएगा आपको, है ना, नोट्स में मिल जाएगा, चिंता नहीं करनी, अभी इधर से देख लो, पढ़ लो आराम से, तुम्हें पहले ही हौसला दे दिया सर, नजर नहीं आ रहा, दिख जाएगा, टेंशन मत लेना, है ना। हाँ, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, तो मेरे भाई सुन ले मेरी बात को ध्यान से, अगर एक्स के साथ एंगल अल्फा है तो एक्स में जो कंपोनेंट होगा, अब सोचो जरा, अब ये 3D में है, एक्स में जो कंपोनेंट गिरेगा ए एक्स, तो ए एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी ए कॉस अल्फा, सीधी बात है ना, एक वेक्टर का अल्फा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट गिरता है वो गिरता है ए कॉस अल्फा, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट गिरेगा ए वाई, दैट इज इक्वल टू ए कॉस बीटा, वाई डायरेक्शन के साथ अब एंगल, अब 3D कंपोनेंट्स हैं ये अब प्लेन के कंपोनेंट्स नहीं है, 3D के कंपोनेंट्स हैं, सीधी बात है ना, एक्स के साथ एंगल अगर अल्फा है तो एक्स में जो कंपोनेंट गिरेगा वो गिरेगा ए कॉस अल्फा, वाई में कंपोनेंट अगर हमारा ए वाई है, एंगल हमारा बीटा है, तो ए कॉस बीटा, और इसी तरह अगर जेड डायरेक्शन से, थोड़ा तुम्हें 3D में फील करना पड़ेगा, जेड डायरेक्शन में अगर एंगल गामा है तो जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट गिरेगा दैट इज ए कॉस गामा, बहुत सीधी सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, करेक्ट है सर, करेक्ट है सर, आगे बर्गर पैटी भेज रहे हो बढ़िया एकदम से, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली जाए, कॉस अल्फा इज ए एक्स अपॉन ए, ठीक है सर जी, कॉस बीटा
इज ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा इज ए जेड अपॉन ए, सो कॉस अल्फा इज कॉल्ड एज एल, कॉस बीटा इज कॉल्ड एज एम एंड कॉस गामा इज कॉल्ड एज, ये कुछ स्टैंडर्ड है एन, और एल कॉमा एम कॉमा एन आर कॉल्ड एज बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस, डोंट वरी नोट्स आगे भी मिल जाएंगे सुनते जाओ बस, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस, इनको हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, चक दे फटे समझ में आ रहा है, नाम है बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो एल क्या है कॉस अल्फा, मैं अलग से लिख देता हूं, एम क्या है कॉस बीटा, एन क्या है कॉस गामा, और ये मेरे भाई क्या कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। और मैं क्या चाहता हूं इन दिस केस आई हैव अ स्पेशल केस, यहां पे बस सीधी सी बात, सीधी सी बात। अच्छा एक और, हाँ उस पे आने से पहले अगर मैं इन तीनों का स्क्वेयर कर दूं, सोचो जरा है ना, एल स्क्वेयर कर दूं प्लस एम स्क्वेयर कर दूं प्लस एन स्क्वेयर कर दूं, सोच के देखो जरा, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर तीनों का स्क्वेयर कर दूं, मतलब क्या बन गया कॉस स्क्वेयर अल्फा, सोच के देखो क्या बन गया, ये आपके पास क्या बन गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ये बन गया। अगर तीनों का स्क्वेयर कर दूं, इसका स्क्वेयर कर दूं, इसका स्क्वेयर कर दूं, इसका स्क्वेयर कर दूं, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जल्दी बताओ ए लड्डू क्या कढ़ी चावल बन रहे क्या बन रहा है बताओ मुझे फटाफट, बढ़ गया ना, है ना। तो एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर तीनों का अगर स्क्वेयर कर दूं तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। और मेरे भाई ये क्या है ए एक्स स्क्वेयर, ये खुद क्या है, ये यही तो ए होता है, ये ए क्या था याद करो, ए वॉज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर, यही तो था। तो अगर स्क्वेयर कही तो यही तो हो गया, और मेरे भाई ये सारा आपका कट गया। तो मतलब ये वैल्यू भाइयों और बहनों कितनी होती है वन। तो डायरेक्शन कोसाइंस की खास बात होती है इन तीनों का जो सम होता है वो वन होता है। और अगर बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, इफ आई वॉन्ट कि कॉस अल्फा हो गया खत्म बस, इफ आई वॉन्ट कि हाँ इफ आई वॉन्ट अगर अल्फा बीटा और गामा सब इक्वल हो, यही है ना क्वेश्चन में कि वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड हो, तो उस केस में एल बी एम बी और एन बी जो होंगे वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एल क्या है कॉस अल्फा, देख रहे हो ना, अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल हो गए तो एल एम एन इक्वल हो गए। और मेरे ख्याल से यहां से अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी समझेंगे तो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर जो होता है वो वन होता है। तो आप समझ लो इस बात को बेटा, तो ये 3L स्क्वेयर 1 हो गया, तो L की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय रूट 3 और इसी को कहते हैं हम कॉस अल्फा, इसी को हम कहते हैं कॉस अल्फा। यस सर, तो आपका आपका पिछले क्वेश्चन का आंसर, मैं अगली स्लाइड पे जरूर आ गया, पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था, अल्फा बीटा गामा कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3। तो जब ये होगा ये एंगल कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3, 3D में सोचो, 3D में सोचो, अगर अल्फा बीटा गामा हमारे कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 3 होंगे तब हमारा जो होगा वो हमारा होगा, यस सर, चक दे फटे बेटा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी बताओ, सेशन मजा आया कि नहीं आया, वो इक्वली इंक्लाइंड होगा, ठीक है ना। और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका भी शॉर्टकट है शॉर्टकट देखना है, देखना है, मूड है, जगह है मेरे पास, हाँ है, चलो ठीक है बता देता हूँ, सुन लो जरा, अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो क्या होगा, सोच के देखो यार क्या होगा यार, बड़ी सीधी सी बात, क्यूब होगा ना यार, 3D में सोचो, क्यूब की डायगनल ही तो होगी और क्या होगा अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो क्यूब की डायगनल ही तो होगी जो इक्वली इंक्लाइंड होगी, और डायगनल की लेंथ क्या होती है, रूट 3L, डायगनल की लेंथ क्या होती है, रूट 3L, है ना। और जरा थोड़ा 3D में विजुलाइज करो, 3D में विजुलाइज करो, जरा जरा करो जरा यार, मतलब आप ही कर लो, मेरे कराने की क्या जरूरत है। तो सोचो ये जो लेंथ है वो L है, ये लेंथ रूट 3L है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ, यस और नो, ये एंगल ऐसे करके 90, 3D में अगर थोड़ा विजुलाइज करो, थोड़ा सा अगर देख लो यार, मतलब आप पे कर लो यार, मेरे कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और वाई के साथ जो एंगल होगा वो होगा बीटा, वाई के साथ जो एंगल होगा ये वाला जो एंगल होगा ये होगा बीटा, और अगर सोचो जरा बीटा मतलब ये 90 है, 3D में अगर तुम फील करो, है ना, तो कॉस बीटा क्या होगा, सोच के देखो जरा, कॉस बीटा क्या होगा, ये थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, तो एल अपॉन रूट 3L, ठीक है ना।
तो ये 1/√3, मतलब अगर तुम्हें इसका 10%, ये जो भी बताया ना, अगर ये 10% भी समझ में आ रहा है तो अपने चेहरे पे बेटा स्माइल रखनी है, बाकी नहीं समझ में आया भगवान ने दो कान दिए हैं, यहां से सुन के यहां से बाहर, ठीक है, बोझ नहीं डालना, स्माइल रखनी है मुंह पे, बिल्कुल ठीक है। यस सर तो बच्चों आज का सेशन समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ, मजा आया तुम लोगों को? आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड इट, है ना, मजा आया ना, ठीक है ओके, चलो थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक है, चलो जय माता दी, लेट्स रॉक, बिल्कुल। तो भाई अरविंद सर ने आज बड़े प्यार से बुलाया है अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है ना, कि सर जी आप जरूर आओ और हमारे बच्चों से आकर मिलो और बस गप्पे शप्पे मारो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों यहां पर आके, और हाँ, और डेफिनेटली बच्चा पार्टी, ये एक सेकंड, यहां से हमने ऐसे कर दिया सेट, बिफोर आई एंड माय सेशन आई शुड मस्ट से टू ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल नाउ माइट बी नोइंग दैट वी आर कंडक्टिंग ऑसम प्लेटफॉर्म ऑफ वेदांतु। ये देखिए YouTube बच्चों कभी भी ना पढ़ाई के लिए बना नहीं था, ठीक है ना, हाँ कभी भी पढ़ाई के लिए बना नहीं था, ये तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इट वॉज दिस प्लेटफॉर्म वॉज नॉट मेंट फॉर टीचिंग, अब तो जमाना बदल गया, डिजिटल वे हो गया, तो हम पढ़ा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म बना ही पढ़ाई के लिए है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, बहुत बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे थे, बेटा मैं यूट्यूब पे रुक नहीं सकता, मुझे यूट्यूब पे फास्ट ही रहना है ना, मतलब इट्स वन साइडेड काइंड ऑफ स्टफ, मेजरली वन साइडेड, बट जो रियल क्लास होती है उसमें बच्चों के डाउट्स एड्रेस होने चाहिए, जो रियल ऑफलाइन अगर आपको याद हो, तो उसको बेटा हमने ऑनलाइन में वेदांतु ने एलिमिनेट किया है कि आपके लेक्चर के साथ आपके, ये कहां पे आ गया मैं, आपके जो नया लेक्चर होता है, जो आपका रन टाइम लेक्चर होता है, उस रन टाइम लेक्चर में मास्टर टीचर के साथ साथ आपके 4 क्लास टीचर्स और बैठते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं ना अभी तुम्हें, मेरे साथ 4 टीचर्स और बैठते हैं उस प्लेटफॉर्म में बच्चों के सिर्फ डाउट्स लेने के लिए, सिर्फ बच्चों के डाउट्स लेने के लिए, और उनका मतलब कोई और पर्पस नहीं है, सिर्फ जो भी बच्चा, मतलब एक भी डाउट, और अगर मान लो क्लास टीचर को फील होता है ना कि यार सर बहुत बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, तो मतलब शायद हो सकता है मैंने थोड़ा सा जल्दी उसको पढ़ा दिया, तो ये फिर मुझे सिग्नल देते हैं, ये मुझे सिग्नल देते हैं, अरे भाई रुक जा भाग मत, यहां पे तुम सिग्नल देते हो तो मैं कई बार हो सकता है मुझे ना पता लगे मुझे भागना पड़ता है, लेकिन वहां पे मुझे ब्रेक मार दी जाती है कि भैया रुक जाओ, ठीक है, तो टीचर रुकता है फिर उस चीज को दोबारा एक्सप्लेन करता है, तो इट इज एन इंटरेक्टिव क्लास, ये जो क्लास यूट्यूब वाली है ये वन साइडेड है, हमारी जो पेड प्लेटफॉर्म की क्लासेस हैं वो अट्रैक्टिव क्लासेस हैं। इसके अलावा बेटा हमारा पोस्ट क्लास कंटेंट दिया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, इस कंटेंट के अंदर आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स आपकी अटेम्प्टेबल फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना, आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आप याद करो, इसके अलावा हमारी बुकलेट भी देते हैं, बुकलेट का नाम तत्व है, अब तो बेटा बुकलेट भी डिजिटल हो गई है आपके इस कोविड टाइम में, जिसमें अगर आपको बुकलेट पे कोई क्वेश्चन अगर डाउट है तो उसके सामने क्यू आर कोड है, आप सिर्फ उसको स्कैन करो आपको उसका इमेज भी दिख जाएगा, तो मतलब पूरा सपोर्ट है। अच्छा, क्लास के तो डाउट होंगे होंगे, आपके 24/7 डाउट ऐप पे भी डाउट लिए जाएंगे, मतलब सोचो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो अभी ऑनलाइन में बाकी इंस्टीट्यूट फेस कर रहे हैं, वो बच्चों को डाउट सपोर्ट नहीं दे पा रहे, वेदांतु की ऐप है, कुछ नहीं करना, फोटो खींचनी है, जहां से भी पढ़ रहे हो फोटो भेज दो, टीचर इमीडिएट रिप्लाई करेगा, जब तक तुम्हारी सेटिस्फेक्शन ना हो तुम कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हो, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, आफ्टर क्लास बिफोर क्लास, ठीक है ना, डाउट होंगे, असाइनमेंट्स होगी, और असाइनमेंट्स याद करो हम ऑफलाइन में बोलते थे बेटा अपनी डाउट कॉपी मेंटेन कर, कौन से क्वेश्चन तू सॉल्व नहीं कर पाया, कौन से क्वेश्चन तेरे गलत थे, कौन से तूने क्वेश्चन लेफ्ट किए, तुम्हारा वो सारा काम वेदांतु करेगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें असाइनमेंट सॉल्व करनी है, इसमें क्या लेफ्ट था, क्या रॉन्ग था, क्या राइट था, 1 साल बाद भी निकालना चाहो ना तुम्हें मिलेगा, और तुम्हें पता होगा ये क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, पूरे कंटेंट में लेफ्ट क्वेश्चंस फिल्टर करके बाहर निकालना चाहो वो भी निकल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी बच्चों के लिए कर देते हैं। बेटा जो रिजल्ट्स निकले हैं ना, ये मतलब चाहे मैं फिजिक्स ओलंपियाड बोलूं, ये ऐसे नहीं निकले, इसके पीछे लगना पड़ा है बच्चों को पकड़ के, तो ये सारे बच्चे हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे आए हैं और ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं, और धमाल मचने वाला है इस साल एडवांस और मेडिकल में, मैं अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ, तुम्हारे इधर आके पहले दिन डिक्लेयर कर रहा हूँ, धमाल होने वाला है, धमाल, कंट्री का सबसे बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है, नंबर्स में भी क्वालिटी में भी। डेफिनेटली टेस्ट होंगे, टेस्ट भी आपके ऑब्जेक्टिव पैटर्न होंगे, और सेम पैटर्न पे आपको यहाँ पे मतलब सारा आप देख सकते हो, और बाकी डेफिनेटली पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशंस भी आपको मिल जाती हैं, कौन से टॉपिक में क्या चीज आपने गलत की, क्या आप ठीक कर रहे थे, आपको और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा डेफिनेटली पेड प्लेटफॉर्म पे है। अगर आप मुझसे पूछो यार कि यूट्यूब से सर रिजल्ट आ सकता है, अगर आप मुझसे पूछो है ना यूट्यूब से रिजल्ट आ सकता है, आंसर है यस, लेकिन
और चांसेस, मतलब समझ रहे हो, जो चांसेस हैं आपके बहुत बढ़ जाएंगे अगर आप यूट्यूब और पेड को मिक्स कर दो। यूट्यूब से आपके कॉन्सेप्ट जो मैंने आज आपको सिखाया है ना, दो घंटे के अंदर, मैं अगर नॉर्मल लेक्चर में अगर ये पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। तो यूट्यूब पे अगर आप पढ़ो तो आप बहुत जल्दी चीजों को कवरअप कर लोगे, और फिर धीरे धीरे अगर आप क्लासेस में दोबारा उन चीजों को सुनो, अटेम्प्ट करो, वहां पे लीडर बोर्ड होगा, वहां पे परफॉर्म करो, टीचर की नजर में आओगे, आपको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, तो भैया जय माता दी हो जाएगी, उस दिन आप उठ जाओगे। लाइव क्लास है आपके सामने, देख लो हमारे प्यारे अरविंद सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ये शायद यहाँ पे अभी ये नहीं चलेगा, तो इसके अंदर मतलब यहाँ पे आपको आपकी जो जब भी चैट मुझे दिख रही है यहाँ पे, यूट्यूब पे मैं आपका कैमरा ऑन नहीं कर सकता, तो सर आपका कैमरा ऑन कर लेंगे, अभी किसी बच्चे से बात कर रहे होंगे, उसको कोई गाने सुना रहे होंगे, किससे सुना रहे होंगे, अपनी यारियों दोस्तियों के, है ना। तो ये सब बड़े फीचर्स होते हैं क्लास में, लाइव चार टीचर्स, यहाँ पे चार टीचर्स सर को दिख रहे होते हैं कि यार वो बच्चों के डाउट ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपका चलता है, ये डाउट है अगर देखो बच्चे ने फोटो खींच के डाली, है ना, यू गाइस कैन सी इट, सॉल्व माय डाउट, टीचर ने लिखित में सोल्यूशन दिया, और कॉन्वर्सेशन तब तक चलती है जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है ना, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन है ये। इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हो ये हमारे सारे टेस्ट हैं, टेस्ट का एनालिसिस है, आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, तो सारे क्वेश्चंस का सारा एक साल बाद भी तुम्हें चाहिए होगा तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, सब्जेक्ट वाइज आपके क्या मार्क्स आए हैं, क्या एक्यूरेसी रही है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके क्लास में बाकी बच्चों के क्या स्कोर रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो जो जो तुम सोचते हो ना सब मिलेगा। पूरे कंट्री के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ये व्हाइट बॉक्सेस दिख रहे होंगे, ये इंडिया के रिजल्ट्स हैं, है ना। सीबीएसई में 9.84% सिलेक्शन रेशियो है पूरे इंडिया के सभी इंस्टीट्यूट की, वेदांतु के 37.8% है। आप इसको देखिए, जो सीबीएसई 12 है 69% वेदांतु की है, इंडिया की 13% है, और ये तो बेटा मचा रखी है 8%, मतलब समझ रहे हो 100 बच्चे अगर हमारी क्लास में हैं तो 8% बच्चे जो होंगे मतलब वो क्वालिफाई करेंगे हमारा जेई एडवांस, और ये बेटा मजाक नहीं है, ये एडवांस मतलब समझ रहे हो आप, मतलब सिलेक्शन परसेंटेज जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हो ना इंस्टीट्यूट्स के, उनका 0.01% भी नहीं है, वेदांतु का 8% है, ठीक है ना, क्योंकि भैया हम और हमारे बच्चे बब्बर शेर हैं, क्या हैं, और प्लेटफॉर्म भी बब्बर शेर है भाई, प्लेटफॉर्म भी बब्बर शेर है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो भैया, इसके अलावा अगर आप हमारी प्रो सब्सक्रिप्शन में आते हो तो बेटा आपको सारे माइक्रो कोर्सेज जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अगर आप प्रो में आते हो ना तो इट इज जस्ट लाइक अ बफे, ये आपके सामने बफे है, प्लेटर रख के छोड़ दिया, ठीक है ना। अब जो भी हमारे पास लगता जाएगा, जो भी हमारे यहाँ शादी होगी, कोई लेडी संगीत होगा, जो भी शादियां सब जगराता होगा, आप सब में इन्वाइटेड हो, आ जाओ ले लो। तो मैं तुम्हें लॉन्ग टर्म में पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मुझसे पढ़ के मजा नहीं आया, कोई टेंशन नहीं, वैसे ऐसा नहीं होगा, तुम्हें लग रहा है यार नहीं मुझे वो बोला जो एक थर्मोडायनेमिक्स था ना सर ये दोबारा पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, हमारे माइक्रो कोर्सेज टॉपिक वाइज कोर्सेज भी चलते हैं, तुम्हारा जब मन होगा तुम ले लेना आगे, ठीक है ना, मोस्ट वेलकम, सब फ्री है तुम्हारे लिए अगर तुम प्रो सब्सक्रिप्शन में आते हो, कंडीशन ये है। तो भैया कोड देख लो, VS Pro, विनेशूर प्रो 1, ये आपका कोड है, लिंक आपके सामने है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, ठीक है ना। और प्रो सब्सक्रिप्शन भी तीन तरह की होती है, मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूं, है ना, देख लो एक बार फटाफट बता देता हूं, ठीक है, व्हाट वी कैन डू हियर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आप चाहते हो मैं आपको हल्का सा बस आइडिया दे देता हूं, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको जाना है यूट्यूब पे, ठीक है, यू गाइस गो टू यूट्यूब, ठीक है ना, देखो विनय सर का लेक्चर चल रहा है, इसी वीडियो के नीचे आ जाओ, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको देखो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, यहां पे आ जाना है, लोड नहीं लेना लाइफ में, ठीक है, आपको देखो यहाँ प्रो सब्सक्रिप्शन का लिंक खुल जाएगा, तीन तरह का है, लाइट, क्लासिक, प्लस, ठीक है ना, आपकी अपनी श्रद्धा है, जोन सा मर्जी लो। ये जो फीस है 53,000, ये सिर्फ फीस आपकी, ये दो साल की फीस है, ये एक साल की फीस नहीं है, ये दो साल की फीस है, ठीक है, तो आप 53,000 में इसको आप ले सकते हो। अगर आप क्लासिक लेते हो तो इसके अंदर जो सारे फीचर्स हैं आपको मिल जाएंगे, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, सारा कंटेंट जो भी होता है वो सब मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लाइट लेते हो तो इसके अंदर आपको डाउट ऐप एक्स्ट्रा मिलेगी, जो मैं आपको कह रहा था, और अगर आप प्लस लेते हो तो डाउट ऐप के साथ आपको साथ में एक और फीचर मिलता है पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग का, ये वाला पर्सनलाइज्ड मेंटर आपको इसके अंदर और मिल जाएगा प्लस के अंदर, ठीक है ना। तो पर्सनलाइज्ड मेंटर मतलब एक टीचर होगा, हर वक्त उसको कॉल करो, दुखी करो, आपका हक है उसके ऊपर, एंड ही इज पेड फॉर दैट, He is always available to answer your queries. Schedule बनाना है, schedule बना देगा, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, वो आपके साथ बैठ जाएगा, आपकी help कर देगा, आपको teacher से connect कर देगा। तो मतलब अगर आपको पूरे दो साल के लिए वो चाहिए तो आप plus subscription भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जरूर लें, ठीक है, मैं suggest करूंगा आप plus ही लें, because यार ये कुछ भी नहीं है, it is just a nominal price of 1,20,000, ठीक है। चलो बेटा मेरी तरफ से जो थी, बाकी हाँ बाकी आपकी चॉइस है, अगर किसी का थोड़ा बहुत
अगर आप देखना चाहते हो तो भाई थोड़ा सा फाइनेंशियली अगर देखना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो, तो इसमें भी बहुत बच्चे अच्छा अपना कर रहे हैं। और ये भी कर सकते हो, इसमें 3000 वाला भी ले सकते हो, एक महीने का ट्रायल, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ही करना चाहते हो। बट आई विल सजेस्ट गाइस यू टेक अ कंप्लीट कोर्स, है ना। एंड इफ यू विल टेक अ कंप्लीट कोर्स, देखो ऑटोमेटिकली कूपन कोड लगा होगा, आप उसमें क्लिक करोगे, पेमेंट के ऑप्शन है, ईएमआई ले सकते हो, मल्टीपल कार्ड्स हैं ईएमआई के, है ना, तो जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, आपकी अपनी श्रद्धा है, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर, ठीक है। बाकी बेटा थैंक यू सो मच, आज के लिए काफी है, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आगे भी मिलते रहेंगे। और बेटा भगवान से प्रार्थना करें सूरी सर और सूरी सर की फैमिली जल्दी रिकवर करें, हमारे बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं हमारी फैमिली के, ठीक है। तो और अपना सबका, अपने माता पिता का, बच्चों का, घर पे सबका ध्यान रखें, ठीक है ना। सेव योर सेल्फ और जस्ट प्रे, बच्चों की भगवान जल्दी सुनता है, तो तुम लोग प्रे करो सर फटाफट स्वस्थ हो और जल्दी जल्दी आपसे आके मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शाबाश, टक दे फटे, ठीक है जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, ओके डन।